हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम फैसल महबूद एंड आई एम योर सीसेट मेंटर एट दिस चैनल। आवर डिस्कशन फॉर टुडे इज़ अबाउट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सारे लोग जुड़ गए हैं, सारे लोग जुड़ जाएं तो आज हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लास्ट 3 क्लासेस में जिसमें आपका परसेंटेज था और प्रॉफिट एंड लॉस था, आपका डिस्काउंट था, सिंपल इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, इसको आपने कैसे फील किया, और हर क्लास की 3-3 बातें जो आपको अच्छी लगी हों कि इसमें हमको ये चीज़ सबसे अच्छा लगा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं हम। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको जो अपने आप में एक टॉपिक तो है ही है, साथ में ये प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर ये कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ साथ प्रोबेबिलिटी में भी जो आज हम डिस्कस करेंगे उसको यूज़ होना है, ठीक है। तो सबसे पहले कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ कहाँ है, किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, तो उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सपोज़ आपसे कहा जाए कि एक सर्किल है, सर्किल पे 5 पॉइंट ABCDE हैं, ठीक है, 5 पॉइंट ABCDE हैं। अब हम आपसे पूछें कि इनको मिलाकर कितनी लाइन बनेगी या कितनी कॉर्ड बनेगी, मतलब ये एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, फिर बी पॉइंट से निकलने वाली लाइन ये बनेगी, फिर सी पॉइंट से निकलने वाली लाइन ये बनेगी, ऐसी कितनी लाइंस होंगी। तो इसको 5 पॉइंट है तो मे बी आप गिन लें, अगर हम कहें 50 पॉइंट है सर्किल के सर्कमफेरेंस पे, तो कितने लाइन बन जाएंगी, कितनी कॉर्ड्स बन जाएंगी। तो आपको कोई एक मेथड होना चाहिए जिससे आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन डिजिट को मिला के थ्री डिजिट का कितने नंबर हम बना सकते हैं, ठीक है, थ्री डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। हम ये क्वेश्चन करें कि थ्री डिजिट के कितने इवन नंबर बना सकते हैं, हम ये क्वेश्चन करें थ्री डिजिट के कितने ऑड नंबर बना सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम पढ़ते हैं वो हमारा परमुटेशन होता है, बेसिकली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो सकता है और ये परमुटेशन का हो सकता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे वन बाय वन कि सबसे पहले समझेंगे कि परमुटेशन है क्या और कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कि डिफरेंट बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या डिफरेंट होता है, कि आप किस केस को परमुटेशन बोलेंगे और किस केस को कॉम्बिनेशन बोलेंगे। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लें हम कि ABC 3 अल्फ़ाबेट हैं, ओके। अब 3 अल्फ़ाबेट से हम ये कहें कि कोई 2 अल्फ़ाबेट चूज़ कीजिए आप और वर्ड बनाइए। तो अब आप ये, हम ये कहें कि कितने टाइप, कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि हम AB चूज़ कर सकते हैं सर, या AC चूज़ कर सकते हैं, या BC चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चूज़ तो यही कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे कहें कितने वर्ड बना सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि सर AC और BC में AB को हम BA भी लिख सकते हैं और AC को CA लिख सकते हैं और BC को CB लिख सकते हैं, आप बोलेंगे। तो आप ये देखिए, जो हमने रेड से लिखा है आपने उसको क्या किया, चूज़ किया। अब रेड और ब्लैक से जो दोनों लिखा है उसमें आपने चूज़ किया और उसको अरेंज किया, ठीक है। तो अगर हम ओनली चूज़ करेंगे थ्री अल्फ़ाबेट में से 2 अल्फ़ाबेट को अगर हम चूज़ करेंगे और एक वर्ड बनाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओनली चूज़ कर रहे हैं हम, ये ओनली सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर ओनली सिलेक्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम चूज़ करने के बाद उसको अरेंज भी करते हैं,
ये देखिए, मतलब ए बी को हमने बी ए भी लिखा, अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? परमुटेशन। मींस परमुटेशन में सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों होगा। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंट आपको समझ में आ गया। परमुटेशन में क्या करते हैं, चूज करते हैं और उसके बाद अरेंज करते हैं, यानी सिलेक्ट करते हैं चीज़ों को और उसके बाद उसको रीअरेंज करते हैं। कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्शन होता है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंट ये है। ठीक है, समझ में आया आपके? चलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सारे लोग लिखें, लिखिए जल्दी लिखिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है? लिखिए, सारे लोग लिखिए, समझ में आ गया ना? ओके, अब हम बात करते हैं परमुटेशन पे आने से पहले हम फैक्टोरियल की बात करते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि ये टूल जो है हमारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसको हम समझ लें। ये टूल को बताने से पहले अगर हम आपसे कहें दो तीन नंबर लिखते हैं, सपोज़ हमने लिखा 6 + 3 = 6 - 3 = 6 × 3 = 6 / 3 = तो पहले का आंसर क्या होगा? आप ये लिखेंगे कि सर इस सिंबल का मतलब ये होता है कि इस नंबर में इस नंबर को ऐड कर दें, तो आप 9 लिख देंगे। अगर हम इसको पूछें कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है, तो आप ये बताएंगे 6 और 3 को हम एक दूसरे 6 में से 3 माइनस कर देंगे, हम उसको हटा देंगे, तो आप ये कहेंगे कि 3 आएगा। अब इसको अगर हम पूछें कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 6 3 टाइम है या 3 6 टाइम है, तो 6 3 = 18 हो जाएगा। अब हम इसको पूछें कि ये क्या है, आप कहेंगे डिवाइड करना है, 6 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और हर पार्ट कितने का होगा, तो 3 2 = 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर हर 6 और 3 है, लेकिन बीच का सिंबल जो है वो अलग होने की वजह से पहले का आंसर 3 आ रहा है, पहले का आंसर 9 आ रहा है, दूसरे का आंसर 3 आ रहा है, थर्ड का आंसर 18 आ रहा है, फोर्थ का आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, 9 3 18 2। तो अब यानी इस सिंबल के वजह से आप चीज़ें समझते हैं कि सिंबल होता है। उसी तरह फैक्टोरियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल को हम डिनोट करते हैं, हम ऐसे डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को, या तो सिंबल ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, मींस किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल ये लगा होगा या ऐसे लगा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो नंबर होगा और ये जो नंबर होगा ये हमेशा इंटीजर होगा, इसके अंदर जो नंबर होगा फैक्टोरियल के अंदर वो इंटीजर होगा। इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसका ये मतलब होता है, और उसके बाद इंटू लगाएंगे। अब जो नंबर हमने लिखा, जो इंटीजर लिखा, उससे छोटा इंटीजर हम उसके आगे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, कहाँ तक? जब तक 1 ना आ जाए। मीन्स फैक्टोरियल 4 = क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा, फैक्टोरियल 5 की बात हम करें, तो आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 5, उससे छोटा इंटीजर 4, उससे छोटा इंटीजर 3, उससे छोटा इंटीजर 2, उससे छोटा इंटीजर 1। अच्छा, फैक्टोरियल 6 हम लिखना होता, तो सबसे पहले 6 लिख लेते, उससे छोटा इंटीजर 5, उससे छोटा इंटीजर 4, उससे छोटा इंटीजर 3, उससे छोटा इंटीजर 2, उससे छोटा इंटीजर 1। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हुए, डिक्रीज करते हुए इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 तक लाते हैं, और 1 के बाद नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल का मतलब होता है कि ये फैक्टोरियल है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो फैक्टोरियल, चलिए आप बताइए फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 2 × 1, यही होगी ना। फैक्टोरियल 1 की मतलब वैल्यू क्या होगी, 1। अच्छा, नोट करने के लिए इसको लिख लीजिए कि फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है, वो 1 होता है। अब कई लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 कैसे होगा सर? तो फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है अभी
कुछ मिनट्स के लिए ही आप मान लीजिए, जब हम अभी आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन में आएंगे तो हम आपको ये दिखाएंगे कि फैक्टोरियल ज़ीरो का मतलब वन होता कैसे है, इसकी मीनिंग क्या है, वह हम आपको याद कराएंगे। अगर याद ना रहे तो आप मुझे याद दिलाइएगा कि फैक्टोरियल ज़ीरो का मतलब वन होता है, ठीक है। फैक्टोरियल वन का मतलब भी वन होता है, मीन्स फैक्टोरियल वन इज इक्वल टू वन भी होता है और फैक्टोरियल ज़ीरो इज इक्वल टू भी वन होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखिए कि आप क्या लिख रहे हैं, कि आपसे अगर हम ये कहें कि फैक्टोरियल सेवन इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप ये लिख रहे हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब आप ये देखिए कि अगर हम ये कहते कि ये क्वांटिटी क्या है, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये फैक्टोरियल सिक्स है, यानी फैक्टोरियल सेवन को आप लिख सकते हैं सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स, ठीक है। सेम अगर आप फैक्टोरियल सेवन को ये लिख सकते हैं कि सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स, उसी तरह फैक्टोरियल सिक्स को क्या आप लिख सकते हैं, सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव, यहाँ से क्या होगा, फैक्टोरियल फाइव आ जाएगा ना, इतना तो ये हम लिख देंगे सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव। उसी तरह फैक्टोरियल सेवन को हम ये भी लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर। सेम हम फैक्टोरियल सेवन को ये लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री। सेम हम ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल सेवन को सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू फैक्टोरियल टू। सेम हम ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल सेवन को सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, अब ये चीज़ तो आप मल्टीप्लाई कर भी लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप कुछ चीज़ें, जैसे फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है ज़ीरो, फैक्टोरियल वन की वैल्यू कितनी होती है वन, फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू इंटू वन टू हो गया, फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू थ्री इंटू टू इंटू वन ये कितना हो गया हमारा सिक्स हो गया, फैक्टोरियल फोर की वैल्यू हमारी थ्री इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये कितनी हो गई हमारी 24 हो गई। उसी तरह फैक्टोरियल फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मीन्स 24 फाइव से कितना हो गया 120 हो गया। उसी तरह फैक्टोरियल सिक्स इज इक्वल टू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये कितना हो गया हमारा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 हो जाएगा। इसी तरह फैक्टोरियल 7 करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसी वैल्यूज़ लिख के एक बार आप दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, यानी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, सॉरी 0 कहाँ से लिख दिया हमने, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, फैक्टोरियल 7 की, फैक्टोरियल 8 की, फैक्टोरियल 9 की, फैक्टोरियल 10 की। ये अगर वैल्यू आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, ठीक है। अगर नहीं याद भी करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए, आप फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 इतनी वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 7 क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 8 कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 9 कितना आ रहा है, जल्दी बताइए जल्दी, ठीक है, बताइए जल्दी बताइए, सारे लोगों को सही आना चाहिए, बोलिए 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 कितना आ रहा है। ओके, अच्छा एक चीज़ को ध्यान रखना है, कहीं पर अगर हम आपसे कहें कि फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 तो इसकी वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अगर हमने इसको समझा नहीं, हम क्या करेंगे, 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे, 3 से ऊपर डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये क्या सही है, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, है ना। फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 3/2 क्यों नहीं है, अगर आप इसको फैक्टोरियल 9 को ओपन करें तो आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 8 इंटू 7 यानी 72 इंटू 7 यानी 7 टू ज़ा 14, 1 कह रहा है 7 7 ज़ा 49 प्लस 150 यानी 504 आ रहा है, ना कि 3/4 आ रहा है। 3/4 हम, यानी ये सिंबल जो लगा हुआ है इसको हम पहले ओपन कर लेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं, लेकिन ये फैक्टर अगर सेम क्वांटिटी आ जाएगी तब हम इसको कट कर सकते हैं। जैसे
कहीं पर लिखा होता फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, तो अब हम ये नहीं करते कि इसकी वैल्यू जो है फैक्टोरियल 2 नहीं होगी, ठीक है, माइनस मत कर देना। क्यों? क्योंकि 7 को हम फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5, तो अब दोनों फैक्टोरियल 5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 7 इंटू 6 माइनस 1। अच्छा, फैक्टोरियल 5, 7 इंटू 6 कितना हुआ हमारा 42 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 41 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हुआ ना, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो रहा है ना आपको। चलिए जल्दी से बता दिए फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, क्या ये 1 होगी या नहीं होगी, जल्दी बताइए कितना आ रहा है आंसर। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 को आप 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं ना, माइनस फैक्टोरियल 3 ये लिख लेंगे। अब फैक्टोरियल 3 अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। अच्छा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो ये 18 आएगा ना कि 1 आएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अच्छा चलिए जल्दी से बताइए फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2 होता है कितने को लगता है, जो कि नहीं होता है, कितना होगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, जल्दी से बताइए, ओरल बताइए इसको, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा ना, ना कि 2 आएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन करिए, 1 बाई फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू एक्स अपान फैक्टोरियल 10, देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे करेंगे, जल्दी करिए जल्दी करिए, कैसे करेंगे आप, एक हम बता देते हैं, 1 अपान फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपान 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू एक्स अपान 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन हम कॉमन लेके करते हैं, 1 अपान फैक्टोरियल 8 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 9 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, x अपान 90 इंटू फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर LCM कितना आया 9, ऊपर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा x अपान 90, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हमारा आ गया 10, तो ये आ गया हमारा पूरा 100, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 100, x की वैल्यू 100 आ गई ना, क्लियर सारे लोगों को, ठीक है, x की वैल्यू यानी 1 अपान फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपान फैक्टोरियल 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100 आ गई, ओके। अगर हम आपसे पूछें कि 1 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू x अपान फैक्टोरियल 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलिए कितनी होगी, आंसर करिए आंसर करिए आंसर करिए, कितना आ रहा है जल्दी बताइए, ओके। तो अब आप ये देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस 1 अपान 8 इंटू फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू एक्स अपान 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक है, तो 1 अपान फैक्टोरियल 7 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा कितना 1 प्लस 1 बाई 8, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स अपान 9 इंटू 8 72 इंटू फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 बाई 8 इज इक्वल टू एक्स अपान 72, तो अब 8 9 जा 72, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 9 इंटू 9 81 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन होता हमारा 1 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू एक्स अपान फैक्टोरियल 8, ये होता हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ये देखिए 1 अपान फैक्टोरियल 6 कॉमन आ जाता, तो यहाँ पर बचता 1 प्लस 1 बाई 7, ये बचता ना, इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, x इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पर कितना हो जाता है 8 बाई 7,
और ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 8 × 7, तो 7 7 कैंसिल आउट हो जाता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है 64। तो अगर आपने कुछ नोटिस किया हो कि अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म के साथ फैक्टोरियल लगा हो और राइट साइड, यानी देखिए पहला हमने क्या लिखा, 1 × (8+1)·(9)= x/(10)। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, जो x के नीचे था उसका स्क्वायर आया यानी 100 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 1/(7), उसके बाद 1/(8)= x/(9)। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 9 का स्क्वायर आई 81। अब यहाँ पर 1/(6), 1/(7), 1/(8), तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 8 का स्क्वायर आई। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट इसका मतलब लिख सकते हैं, 1/(4+1)·(5)= x/(6)। तो आपको यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं ना, x की वैल्यू 36 होगी, लिख सकते हैं ना, बोलिए होगी ना, ठीक है, क्लियर क्लियर है ना, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और फ्री इवेंट क्या होते हैं। देखिए इवेंट का मतलब है किसी चीज़ का होना, जैसे आपका क्लास चल रहा है ये एक इवेंट है। हमने एक कॉइन लिया और उसको टॉस किया, वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये भी एक इवेंट है। हमने एक डाइस लिया, उसको हमने रोल किया, अब फेस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ आएगा, ये एक इवेंट है, ठीक है। तो इवेंट बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी चीज़ का होने को क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है, मोटे तौर पे। अब हमारे जो काम की जो चीज़ें हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और फ्री इवेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर वन हैपन, अगर एक हुआ वन हैपन तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि अदर स्टॉप, मतलब कई इवेंट हो रहे थे उसमें से एक होने लगा तो अदर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। फ्री इवेंट क्या होते हैं कि वो इवेंट जो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन रिजल्ट देने के सेंस में डिपेंडेंट होते हैं। मींस अगर दो इवेंट एक दूसरे को रोक नहीं रहे हैं, यहाँ पर जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में रोकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो होता है, फाइनल रिजल्ट जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है, उसमें दोनों जो इवेंट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम फ्री इवेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है और इससे हर बच्चे को समझ में आ जाता है, वो ये कि हम आपसे पूछें कि ए से सी तक जाने के कितने वेज हो सकते हैं। तो आप या तो आपने अगर इसको नहीं पढ़ा है अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन या फ्री इवेंट, तो आप ये बोलेंगे सर एक इवेंट या एक पाथ, फिर आप बोलेंगे सर दूसरा पाथ, फिर आप बोलेंगे सर ये तीसरा पाथ, फिर आप बोलेंगे सर ये फोर्थ पाथ, फिर आप बोलेंगे सर ये फिफ्थ पाथ, फिर आप बोलेंगे सर ये सिक्स्थ पाथ, फिर उसके बाद बोलेंगे आप सर ये सेवेंथ पाथ, उसके बाद आप बोलेंगे ये सर एट्थ पाथ, फिर उसके बाद आप ये बोलेंगे नाइन्थ पाथ। तो ये तो बहुत छोटा था, दो बने हुए थे, तो आपने इसको गिना और ऐड करने के बाद आपने बताया कि 9 पाथ हैं इसके। लेकिन कोई एक तरीका होना चाहिए जिससे हम डायरेक्ट बता सकें अच्छा इसका 9 पाथ होंगे, है ना। तो वही उसी को हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और फ्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ते हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और फ्री इवेंट को समझने के लिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने 9 निकाल लिया है, तो अब आपका आंसर अगर किसी और तरीके से 9 आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये सी है। अब आप देखिए कि हम आपसे पूछें कि ए से सी तक जाने के कितने वे हो सकते हैं,
तो आपने 9 निकाल लिया, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर ये जो पाथ वन है पाथ वन जो है हमारा, इसको हम पाथ वन मानते हैं, एक मिनट सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ये पाथ वन है और ये पाथ टू है, ये पाथ थ्री है, ये पाथ फोर है, ये पाथ फाइव है, ये पाथ सिक्स है। अब आप ये देखिए ए से सी तक जाने के लिए सबसे पहले हमको ए से बी तक जाना होगा, फिर बी से सी जाना होगा। अब ए से बी तक जाने के कितने वे हो सकते हैं, पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ। जब हम पहले पाथ से जा रहे होंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पर पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री, पाथ फोर, अलग लिखते हैं पाथ फोर, यहाँ ऊपर लिख देते हैं पाथ फोर, पाथ फाइव, पाथ सिक्स। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, जब हम पाथ वन से जा रहे हैं ए से बी, तो क्या हम उसी टाइम पाथ टू और पाथ थ्री से जा रहे हैं, जा सकते हैं कि नहीं, नहीं जा सकते हैं। जब हम पाथ एक पाथ से गए तो दूसरे दो पाथ जो पाथ टू और पाथ थ्री था उसको हमने क्या किया, रोक दिया। यानी जब पाथ वन हैपन, ये एक इवेंट हो रहा है, तो अदर जो इवेंट हैं टू और थ्री वो रुक जा रहे हैं। जब हम पाथ टू से गए तो पाथ थ्री और पाथ वन रुक गया, जब हम पाथ थ्री से गए तो पाथ वन और पाथ टू रुक गया। यानी जब पाथ वन हुआ तो पाथ टू और पाथ थ्री नहीं हुए, जब पाथ टू हुआ तो पाथ टू पाथ वन और पाथ थ्री नहीं हुए, जब हमारा पाथ थ्री हुआ तो पाथ वन और पाथ टू नहीं हुए। मीन्स अब ये देखिए कि ए से बी तक जाने के लिए आपने ऐड किया एक दो तीन, तीन पाथ हैं। मीन्स आप जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे उनको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं चीज़ों को। यानी ए से बी तक जाने के कितने पाथ होंगे, थ्री पाथ होंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं एक पाथ ये होगा, एक पाथ ये होगा, एक पाथ ये होगा, तीनों को ऐड कर लेंगे, वन प्लस वन प्लस वन कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। उसी तरह पाथ फोर से अब हम बी से सी कैसे जाएं? अब बी से हम सी किस पाथ से जा रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम ए और बी, ए से बी पर किस पाथ से आए हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि हम अगर बी से सी जा रहे हैं तो बी से सी जाने का पाथ, अगर हम फोर से जा रहे हैं तो पाथ फोर से अगर हम जा रहे हैं तो पाथ फाइव और पाथ सिक्स से नहीं जाएंगे, वो रुक जाएंगे। अगर हम पाथ फाइव से जा रहे हैं तो पाथ फोर और पाथ सिक्स रुक जाएंगे, अगर हम पाथ सिक्स से जा रहे हैं तो पाथ फोर और पाथ फाइव रुक जाएंगे। यानी एक हो रहा है दूसरे को रोक दे रहा है। इसमें भी हम ऐड करेंगे सबको, यानी बी से सी जाने के तीन रास्ते होंगे। लेकिन अब ये देखो कि हम ए से सी जाना चाहते हैं जिसमें दो पार्ट हैं, ए से बी जाना और बी से सी जाना। यानी ए बी एक 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 इवेंट हमारा ए बी का है, दूसरा इवेंट हमारा बी सी का है। ए बी इवेंट तीन तरीके से हो सकता है और बी सी इवेंट भी तीन तरीके से हो सकता है, लेकिन दोनों इवेंट जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन रिजल्ट आने के लिए दोनों रिक्वायर्ड हैं, हमको ए से बी भी जाना पड़ेगा और बी से सी जाना होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। बी सी पाथ अपने आप में है और ए बी पाथ अपने आप में है, लेकिन ए सी इवेंट में दोनों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए इस टाइप के इवेंट को, यानी मोर देन टू म्यूचुअली कलेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो इज़ फ्री इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्री इवेंट में क्या हो रहा है कि ये दोनों पाथ ए बी और बी सी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए ये डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें फ्री इवेंट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। ओके, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब ए से बी तक जाने के लिए थ्री पाथ थे और बी से सी तक जाने के लिए थ्री पाथ थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नाइन पाथ आ जाएंगे। यानी ए से सी तक जाने के लिए नाइन पाथ आ जाएंगे। समझ में आया, सारे लोग रिस्पांस कीजिए, समझ में आ रहा है ना सबको। अच्छा, कोई ये ना कहेगा सर अरे इतनी देर में तो हम निकाल ही लेते डायरेक्ट। अरे ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं, इससे आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए
एक आप निकालिए अब इसी इसी कॉन्सेप्ट को लगा के, कि अगर बी से सी और सी से डी भी होता, सपोज सी से डी भी जाना होता, अच्छा ए से बी जाने का एक रास्ता और होता, ये होता और एक रास्ता ये होता, और बी से सी जाने का एक रास्ता ये भी होता, ठीक है, और सी से डी जाने के ये रास्ता होता एक, तो अब आप ये बताइए कि कितने वे होते। अब ये देखिए, या तो इस पाथ से जाएगा या 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 इस पाथ से जाएगा, यानी ए से बी तक जाने के कितने वे हो जाएंगे हमारे, फाइव वे। जब ए इस रास्ते से जाएगा तो अदर रुक जाएंगे, यानी सब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, यानी ए से बी जाने के रास्ते कितने होंगे, फाइव। उसी तरह बी से सी जाने के रास्ते कितने होंगे, फोर। सी से डी जाने के रास्ते कितने होंगे, फोर। तो हमारा टोटल वे कितना हो जाएगा, फाइव इंटू फोर इंटू फोर, यानी हो जाएगा हमारा एट्टी वे। अगर आप इसको गिनने बैठेंगे तो एट्टी टाइम आपको गिनना होगा। एट्टी आ रहा है ना सबका, ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फ्री इवेंट समझ में आ गया मेरे ख्याल से। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, बोलिए समझ में आया ना सबको, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। ओके, क्योंकि फ्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये बेस है पूरा पूरे कॉन्सेप्ट का। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जब अगर हमने फ्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ लिया है तो चलिए आइए हम बात करते हैं परमुटेशन की। तो परमुटेशन के बारे में हमने क्या बताया, परमुटेशन के बारे में बताया कि हमने क्या बोला कि सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है, सिलेक्ट एंड अरेंज। ओके, ये हमारा परमुटेशन होता है। अब आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे हम ये कहें कि वन टू थ्री फोर, ये फोर नंबर हैं, इनसे मिलके थ्री डिजिट के, या फाइव नंबर हैं, फाइव टू डिजिट के या थ्री डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, यानी जो भी नंबर हम लेंगे उसमें सिक्स नहीं आएगा, सेवन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव ले सकते हैं। अब आप देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं, कि हम वन से लेके फाइव तक कुछ भी इसमें फिल कर सकते हैं। जब हम वन भर रहे होंगे तो हम टू नहीं फिल कर रहे होंगे, जब हम टू फिल कर रहे होंगे तो थ्री, मतलब अगर जब हम वन फिल कर रहे होंगे तो टू थ्री फोर फाइव नहीं फिल कर रहे होंगे, यानी वो अदर को रोक रहा है। जब टू को फिल कर रहे होंगे, जब वन को फिल कर रहे होंगे तो एक इवेंट, जब टू को फिल कर रहे होंगे तो वन थ्री फोर फाइव नहीं फिल कर रहे होंगे, जब थ्री को फिल कर रहे होंगे तो वन टू फोर फाइव नहीं फिल कर रहे होंगे, जब फोर को फिल कर रहे होंगे तो वन टू थ्री फाइव नहीं फिल कर रहे होंगे, जब फाइव को फिल कर रहे होंगे तो वन टू थ्री फोर नहीं फिल कर रहे होंगे। अब ये सब आपस में एक दूसरे को रोक रहे हैं, यानी ये कौन से इवेंट हैं हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनको ऐड कर देंगे तो ये फाइव इवेंट होंगे। यानी पहले डिजिट को भरने के लिए हम फाइव वे अपना सकते हैं, सेम दूसरे वाले को भी फाइव वे अपना सकते हैं, तीसरे वाले को भी हम फाइव वे अपना सकते हैं। यानी हमारा, अब ये देखो आपस में क्या है, ये फ्री इवेंट है, तो ये हो जाएगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, ये कितना हो गया, 125, ठीक है, यानी हमारे टोटल नंबर कितने होंगे, 125। ये नंबर की वैल्यू नहीं है, यानी कितने नंबर होंगे गिने अगर हम नंबर को, कि वन टू कितने नंबर हो रहे हैं जो वन टू थ्री फोर फाइव से मिलकर बन रहे हैं थ्री डिजिट के, वो उनकी काउंटिंग जो है वो आ रही है 125। ओके, अच्छा इसमें आप देखिए कि हमने कहा यहाँ पर फाइव फाइव फाइव, मतलब अगर हमने पहले जगह पर वन लिया था तो दूसरी जगह पर भी वन ले सकते थे, तीसरी जगह पर भी वन ले सकते थे, या पहली जगह टू लिया था तो दूसरी जगह पर टू ले सकते थे, तीसरी जगह फाइव ले लेते। मीन्स यहाँ पर क्या है कि डिजिट को हम रिपीट कर रहे हैं, डिजिट रिपीट हो सकती है, तो वो नंबर कितने होंगे हमारे, 125। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कोई कि डिजिट रिपीट नहीं होगी, मतलब अगर आपने यहाँ वन ले लिया तो अगले टू डिजिट वन नहीं हो सकते हैं, वो टू हो सकता है, फोर हो सकता है, लेकिन वन नहीं हो सकता है। अगर हमने यहाँ टू ले लिया तो अगला टू नहीं हो सकता है, वो फोर हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सिक्स है नहीं यहाँ पर तो फाइव हो सकता है ना। तो ऐसे कितने नंबर होंगे उनको निकालने के लिए भी हम यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे।
देखिए पहले डिजिट को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फाइव तरीके से। अब जब फाइव तरीके से फिल किया हमने, तो कोई एक डिजिट 1 2 3 4 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ पर आ गया। अब वो डिजिट रिपीट नहीं हो सकता है, रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है तो यहाँ पर जो भी डिजिट पहले जगह पे आ गया है तो वहाँ पहले प्लेस पे आने के बाद उसको सेकंड प्लेस पे हम नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम पहले को फाइव वे से फिल कर सकते थे तो एक तो फिक्स हो गया। अब कितने बचे, फोर तरीके से बचे, तो यहाँ पर हम इसको फोर तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर हम इसको फोर तरीके से फिल कर लिए तो अब एक और डिजिट यहाँ पर रुक गया, तो अब हम जो है कितने हमारे पास बचे, थ्री डिजिट को हम यहाँ फिल कर सकते हैं तीसरे जगह पे, तो ये थ्री होगा यानी, और ये सब आपस में फ्री इवेंट होंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 20 × 3 = 60। यानी अगर 1 2 3 4 5 में से हम थ्री डिजिट के नंबर बनाएं जहाँ रिपीटेशन अलाउ हो, यानी 1111 या 112 ऐसे नंबर हो, 112 113 इस टाइप के नंबर को अगर हम ले रहे हैं तो वो कितने होंगे 125। लेकिन ऐसे नंबर को हम लें जहाँ पर एक तीनों डिजिट अलग अलग हों तो वो कितने होंगे 60 होंगे। समझ रहे हैं ना आप, देखिए ये परमुटेशन है आपका, ये आप कैसे कर ले रहे हैं। देखिए दो केस पढ़ा आपने, एक तो अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं तब क्या करना है, चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं तब क्या करना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो। समझ में आया ये, तो फ्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है, आपके समझ में आ रहा है ना, बोलिए जल्दी बोलिए, फ्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ में आ गया ना सबके, वो बहुत ज़रूरी है, समझ में आया है ना। यही नहीं, अभी आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे जब भी उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आपको। ओके बोलिए बोलिए बोलिए, सारे लोग समझ में आ रहा है ना। चलिए अगर हम ये कहें, इसको जल्दी से क्वेश्चन, क्योंकि समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है आपको। हमने कहा कि 0 1 2 3 4 5 6 इससे मिलकर बनने वाले थ्री डिजिट के कितने नंबर होंगे, थ्री डिजिट के कितने नंबर होंगे। तो अब देखिए जब आप इसको फिल करने आएंगे तो जैसे हम कहें कि 0 2 4, ये टू डिजिट का नंबर है या थ्री डिजिट का, टू डिजिट का है ना, सारे लोग जान रहे हैं ना, टू डिजिट का है ना, बोलिए टू डिजिट का है। अगर इसमें यहाँ जीरो आ गया फर्स्ट प्लेस पे तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे ना, वरना जीरो तो आगे कितने भी बढ़ा सकते हैं, तो ये टू डिजिट का भी हो गया, थ्री का भी हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सब का लगा सकते हैं। तो हम उसी को लेते हैं जिसकी एक वैल्यू हो, तो 24 है इसकी वैल्यू एक्चुअली, तो ये टू डिजिट का नंबर है। मीन्स फर्स्ट प्लेस पे हम जीरो को फिल नहीं कर सकते, मीन्स बचे कितने 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। अच्छा अब एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीटेशन अलाउ हो, एक हो सकता है रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, यानी अगर हमने यहाँ पर 1 फिल कर दिया और तो दोबारा 1 हमको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि 1 ले सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो डिजिट हमने यहाँ पर लिया है वो तो आ ही जाएगा, साथ में जीरो भी आ जाएगा, तो इसको हम 7 तरीके से फिल कर लेंगे, लास्ट को भी हम 7 तरीके से फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, फ्री इवेंट होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 49 × 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 9 = 54, 5 6 4 = 24 + 5 = 294, ये होगा। यहाँ रिपीटेशन अलाउ थी, अगर रिपीटेशन अलाउ ना होती तब क्या होता, आप यहाँ पर तो 6 टाइप्स से भर सकते थे, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी भर दिया आपने, उसको फिल कर दिया आपने। अब यहाँ पर आप कितने तरीके से फिल करेंगे, देखिए जो डिजिट आपने सपोज यहाँ 2 फिल कर दिया तो 2 तो चला गया, बचे कितने 5, प्लस 0 भी आ जाएगा ना, 0 भी आप सेकंड डिजिट पर तो फिल कर सकते हैं, तो इसको भी हम 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर 0 1 3 4 5 में से कुछ चला गया, सपोज 5 चला गया, तो कितने बचे हमारे पास, 5 बचे, तो हम इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो ये हमारा जाएगा 6 × 6 × 5, यानी 36 × 5 180 होगा, ठीक है। मीन्स अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 294 आंसर होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 180 होगा हमारा आंसर, ठीक है, यानी 180 टाइप्स के नंबर होंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ वाले लेंगे तो हमारे 294 टाइप के नंबर होंगे, क्लियर क्लियर कि नहीं, क्लियर है ना सारे लोगों को। चलिए ये क्लियर हो गया है, तो अब हम आपसे बात करें, सपोज कि एन पर्सन है और आर प्लेस है,
तो अगर n पर्सन है और r प्लेस है तो n और r दोनों क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, यानी n इज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और r इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ये नहीं हो सकता ना कि 2.2 प्लेस है, अरे प्लेस जो होंगी यानी चेयर, सपोज चेयर हैं तो चेयर पूरी कंप्लीट कंप्लीट होंगी, हाफ नहीं होंगी। इंसान होगा अगर पर्सन होगा तो वो भी पूरा कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होगा कि आधा पर्सन है, नहीं होगा ना, क्या ऐसा होगा बोलिए। तो अब आप ये देखिए कि पर्सन n है और प्लेसेस r हैं, तो अब अगर n इज़ ग्रेटर देन r हो तब, यानी नंबर ऑफ प्लेसेस से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हो, यानी सपोज 10 पर्सन हो और 5 चेयर हो, तो वहाँ पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। और हम साथ में ये कहें कि ये 5 चेयर जो हैं इसमें पर्सन ए यहाँ बैठेगा तो और पर्सन बी यहाँ बैठेगा, पर्सन ए और पर्सन फर्स्ट और पर्सन सेकंड यहाँ और यहाँ बैठे हैं तो वो अलग होगा, और पर्सन टू यहाँ बैठे और पर्सन वन यहाँ बैठे ये अलग होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो तब हम इसको क्या बोलेंगे, परमुटेशन। तो इसको निकालेंगे कैसे, हम सबसे पहले आर प्लेसेस बना लेंगे, प्लेस वन प्लेस टू प्लेस थ्री प्लेस फोर एंड प्लेस आर, ठीक है। अब आप हमसे ये बताइए एन पर्सन को पहले प्लेस पे कितने पर्सन को बैठाया जा सकता है, एन में से किसी को हम बैठा सकते हैं, एन में से किसी को भी बैठा सकते हैं ना। अब जैसे ही एन में से किसी को बैठा दिया, एक पर्सन तो यहाँ बैठ गया, बचा कितना एन माइनस वन, तो यहाँ पर हम कितने लोगों को बैठा सकते हैं, एन माइनस वन को। उसके बाद इस प्लेस पर हम कितने लोगों को बैठा सकते हैं, एन माइनस टू को, एन माइनस टू को। उसी तरह यहाँ पर हम कितने लोगों को बैठा सकते हैं, एन माइनस थ्री को। अब ये देखिए पहले प्लेस पे एन माइनस ज़ीरो है, दूसरे प्लेस पे जब यहाँ टू है तो यहाँ एन माइनस वन है, जब यहाँ थ्री है तो एन माइनस टू है, यहाँ फोर है तो एन माइनस थ्री है, तो यहाँ पर आर है तो क्या होगा, एन माइनस, यहाँ पर देखिए फोर था तो फोर माइनस वन यानी थ्री आ रहा है, तो यहाँ पर आर माइनस वन आएगा, यही होगा ना। अब ये देखिए कि ये सारे इवेंट आपस में फ्री होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, तो यहाँ पर इसका परम्यूटेशन यानी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव, ऐसे ही लेते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस वन, ये होगा, ठीक है। अब आपसे हम यहाँ पर थोड़ा सी स्टॉप करके एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि कहीं पर सपोज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सपोज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू बस 5 इंटू 4 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते, ऊपर आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसको आप किसी चीज़ से डिनोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये करें कि ऊपर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दें और नीचे भी पूरे में 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दें, तो क्या ऊपर वाली क्वांटिटी फैक्टोरियल 8 नहीं बन जा रही है और नीचे वाली क्वांटिटी हमारी फैक्टोरियल 3 बन जा रही है। तो यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7, लिख सकते हैं ना। सेम अगर आपको हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें यहाँ पर, तो आप ये देखिए हमने किया क्या था, जो 4 था उससे छोटा नंबर 3 को हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, 3 2 इंटू 1। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, n माइनस आर है, आर माइनस वन है। तो अब आप खुद सोचिए कि n माइनस आर माइनस वन से, यानी r की वैल्यू अगर 4 है तो 4 माइनस वन, यानी सपोज n की वैल्यू 7 है और r की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 माइनस 4 माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3, यानी आ गया हमारा 4 आ गया। अच्छा अब 4 से छोटा क्या होता है, 3 होता है, 3 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 4 अगर कर दें तो 3 आ जाएगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, n माइनस r कर रहे हैं, तो n माइनस n माइनस r माइनस 1 है तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, n माइनस r होगा, और इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, n माइनस r प्लस 1 होगा। सेम ये मल्टीप्लाई होते हुए 3 2 इंटू 1 तक आएगा। अब अगर हम इसको पूरे में डिवाइड कर दें, हम इसको n माइनस आर जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया है उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, n माइनस आर प्लस 1
एंड सो ऑन, 3, 2, 1। ठीक है, अब आप देखिए ये जैसे फैक्टोरियल 8 में हम क्या कर दे रहे थे, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, फैक्टोरियल 8 बन जा रहा था। वैसे ही सोचिए कि n है, उससे छोटा इंटीजर n माइनस 1 है, उससे छोटा इंटीजर n माइनस 2 है, उससे छोटा इंटीजर n माइनस 3 है, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r, ये करते हुए 3, 2, 1 तक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या फैक्टोरियल n नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना? तो हम लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए क्या है, n माइनस r, n माइनस r प्लस, ये जैसे नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा था वैसे ही हम यहाँ पर ये कम होता चला जा रहा है। तो क्या हम इसको n माइनस r का होल फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमने किया क्या है, n थिंग्स, n चेयर या n पर्सन को r प्लेस पे बैठाया है, तो इसको क्या किया हमने, प्रमोट किया, परमुटेट किया है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एन पी आर से। तो हमारा एन पी आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको बुक में लिखा होता है, लेकिन आया कहाँ से, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। मीन्स अगर हम आपसे ये कहें, ये क्लियर है ना आपका, अब हम आपसे कहते कि 5 चेयर हैं, ठीक है, 5 चेयर हैं, उसमें 7 पर्सन को कैसे बैठाया जा सकता है? तो एक तरीका तो तुमको ये था कि n की वैल्यू 7 है सर, r की वैल्यू 5 है, तुम लिखते 7p5, और ये लिखते तुम्हारा एन पी आर की वैल्यू कितनी आई थी, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1, फैक्टोरियल 2 बचेगा ना नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 3 है ना। लेकिन अब आप देखिए कि अगर हम जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे अगर ट्राई करते तो क्या होता, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, ठीक है, 5 प्लेसेस हैं। अब ये देखिए कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 7% में से कोई भी बैठ जाए, दूसरे में 6% बैठ सकते हैं, तीसरे में 5% बैठ सकते हैं, उसके बाद 4% बैठ सकते हैं, उसके बाद 3% बैठ सकते हैं। क्या ये यही नहीं आ गया, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 यही क्वान्टिटी आ गई कि नहीं? तो हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी एन पी आर का ये फार्मूला, ये क्या है एक्चुअली, एन पी आर का ये फार्मूला, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए है। ठीक है, समझ में आया ना? अब देखिए अगर रिपीटेशन होता तब क्या होता, सपोज n थिंग्स थी और उनको r प्लेसेस पे बैठाना था हमको, आर प्लेसेस पे बैठाना था। अब ये देखिए पहले प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते थे, एन टाइप से, दूसरे प्लेस को हम कितने टाइप से फिल कर सकते थे, एन टाइप से, तीसरे प्लेस को एन टाइप से, उसके बाद एन टाइप से, और इसको भी एन टाइप से, यानी सब फ्री इवेंट मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, n × n × n × n कितने टाइम आएगा, r टाइम। तो ये हमारा आ जाएगा n रेज द पावर r। ठीक है, मीन्स अगर हमारा रिपीटेशन हो रहा है तो वहाँ परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता है हमारा, n की पावर r, वेयर n इज़ द टोटल नंबर एंड r इज़ द प्लेसेस। ठीक है, समझ में आया? तो आप डायरेक्ट भी फ्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से भी कर सकते हैं और फार्मूला से भी कर सकते हैं, दोनों हमने बता दिया। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो फार्मूला एन पी आर का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो फार्मूला परम्यूटेशन का कितना हो जाएगा, n की पावर r। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, अगर फैक्टो
अगर हमारा जो अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हमारा फार्मूला क्या होगा, और हमारा रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब क्या होगा, एक बार आप लिख भी दीजिए ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आते हैं ये क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड विद आर विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। रोज से मिला के, रोज में जो लेटर है हमारे क्या क्या अल्फ़ाबेट हैं, आर है, ओ है, एस है, ई है, आर ओ एस ई, इनसे मिला के हमको एक अल्फ़ाबेट बनाना है। तो अगर हमारा वेन द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज़ नॉट अलाउड हो तो हम कितने लेटर बना सकते हैं। चलिए करिए इसको क्वेश्चन, कितने लेटर बना सकते हैं जल्दी बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। अब ये देखिए यहाँ पर लेटर कितने हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट कितने हैं, फोर हैं। हमारे प्लेसेस कितने हैं, वो भी फोर हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इन चारों में से पहले ओ या आर या ये क्या लिखा हुआ है, विद आर विदाउट मीनिंग, यानी ज़रूरी नहीं ग्रोस की तरह उसकी कोई मीनिंग हो, क्योंकि मीनिंग तो एक लैंग्वेज है। लेकिन अगर जैसे कहीं पर लिखा हुआ है रोज की जगह ओ आगे कर दो, ओ आर एस ई, ये मीनिंग क्यों नहीं है, ये मैथमेटिकल टर्म में तो ये एक वर्ड है लेकिन वर्ड लैंग्वेज में क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ओ आर एस ई का कोई मतलब नहीं होता है। अगर कभी फ्यूचर में ओ आर एस ई का मतलब ये होगा कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की क्लासेस को ओ आर एस ई कहेंगे, तो हम ये इसकी इसकी मीनिंग हो जाएगी, तो ये भी एक वर्ड हो जाएगा। तो विद आर विदाउट मीनिंग, क्योंकि साइंस जो है, तुम्हारा इंटेलेक्ट जो है, वो तुम्हारे जो चीज़ें तुम लोग एक दूसरे से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे हम ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, हमने क्या बोला, हम लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब ये लैंग्वेज चाइनीज़ को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उसके लिए ये वर्ड अलग होगा, वो चिंगी पिंगी कुछ बोलेगा तो वो उसको समझ में आएगा, हमको वो नहीं समझ में आएगी। यानी हमारी एक वाइब्रेशन की चीज़ हम समझ जाते हैं, यानी लैंग्वेज जो है वो आइडेंटिटी है कि हम कोई फीलिंग को अपने समझा दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो विद आर विदाउट मीनिंग इसलिए हमेशा लिखा रहेगा यहाँ पर। तो रोज़ और ओ आर एस ई या फिर ई आगे कर दें, ये सब मैथ के टर्म में एक वर्ड होगा। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होगी हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज की लिमिटेशन है कि ओ आर एस ई का मतलब नहीं है, है ना, ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे कितने अल्फ़ाबेट बन सकते हैं, यानी वर्ड बन सकते हैं। तो अब ये देखिए, आर ओ एस ई में से चारों में से कुछ भी यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। तो पहला प्लेस कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, फोर तरीके से। दूसरा प्लेस अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, सपोज़ आर हमने अगर पहले लिख दिया तो अब आर को हम नहीं ले सकते हैं। अगर ओ हमने पहले लिख दिया तो ओ को नहीं ले सकते, अगर हमने एस को पहले लिख दिया तो एस को नहीं ले सकते, ई को पहले लिख दिया तो ई को नहीं ले सकते, यानी एक फिक्स हो चुका है वहाँ पर। तो बचे कितने, थ्री। तो यहाँ पर हम थ्री तरीके से फिल कर सकते हैं। अब जब ये थ्री तरीके से फिल करा तो कितना बचा, टू। तो इसको हम टू तरीके से फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, वन तरीके से। अब इसको ये सब आपस में क्या है, फ्री इवेंट। तो ये हो जाएगा थ्री फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये कितना हो गया हमारा, फोर इंटू थ्री कितना, ट्वेल्व, इंटू टू कितना हो गया हमारा, ट्वेंटी फोर। तो ये हमारा कितने वर्ड होंगे, ट्वेंटी फोर होंगे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ये होता कि रिपीटेशन अलाउ है, यानी हमारा ये वर्ड भी होता, हम इसको कंसीडर करते कि आर 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 या आर 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 ओ या आर आर ओ ई, इसको हम वर्ड कंसीडर करते हैं, यानी आर मोर टाइम आ सकता था या ओ मोर टाइम आ सकता था या एस मोर देन वन टाइम आ सकता था या ई मोर देन वन टाइम आ सकता था, तब क्या होता कि ये पहले प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सबको हम कितने तरीके से भर सकते थे, फोर 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 फोर। तो हमारे टोटल कितने वर्ड आ जाते, फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर, यानी फोर की पावर फोर। ठीक है, कितना फ़र्क हो रहा है, ये 24 वर्ड होंगे, ये 4 की पावर 4 हो जाएंगे, यानी कितना फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर। कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है, बोलिए जल्दी से, क्लियर है ना।
चलिए भाई, अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन कह रहा है गिवन फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, जो हमारे फोर फ्लैग हैं वो फोर डिफरेंट कलर के हैं, सपोज वो रेड है, दूसरा आपका मान लीजिए ये रेड है, दूसरा येलो है, या कोई फोर कलर के हैं सपोज, है ना, तो कलर वन और ये कलर टू का है, ठीक है, कलर हम चार कलर के बना दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी हो समझने में, तीसरा कलर सपोज़ ये है, फोर्थ कलर हमारा सपोज़ ये है, ये चार कलर के फ्लैग हैं। अब ये कह रहा है कि इन फ्लैग को मिला के हमको फ्लैग बनाना है, ठीक है, इन फ्लैग्स को मिला के हमको फ्लैग बनाना है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ टू फ्लैग वन बिलो द अदर, यानी हमको अब क्या बनाना है, एक इन फ्लैग से मिला के एक फ्लैग बनाना है जो ऊपर नीचे हो। तो अब ये बताओ कि अगर टू कलर का बनाना है तो अपने आप पता चल गया कि रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रेड ले लेंगे तो अगर नीचे रेड ले लेंगे तो टू कलर का नहीं होगा। तो अगर हम ऊपर वाले को भरना चाहें तो कितनी तरीके से भर सकते हैं, इन चारों में से कोई भी हम कलर इसमें रख सकते हैं, तो ये फोर कलर। नीचे वाले में हम क्या कर सकते हैं, जो कलर ऊपर हमारा आ गया वो नीचे नहीं आएगा, तो इसको हम थ्री तरीके से भर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बोलिए सारे लोग बोलिए, समझ में आया, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, अगर आप नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप, बोलिए। अच्छा अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि हाउ मैनी टू डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, हम रिपीट कर सकते हैं डिजिट को। तो हमको कितने डिजिट का इवन नंबर बनाना है, टू डिजिट का इवन नंबर बनाना है हमको। अब ये देखिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, एज इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसके लास्ट में टू होता है या टू का मल्टीपल होता है, यानी जिसके लास्ट में टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो या ज़ीरो हो, ज़ीरो भी होगा जैसे 10 है तो 2 का मल्टीपल है, 2 से जो डिवाइड हो रहा हो वो क्या है, हमारा इवन नंबर होता है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर कितने इवन नंबर हमारे पास हैं, 2 है और 4 है, ये सब हमारे पास नहीं है यहाँ पर। तो इस प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, या 2 आएगा या 4 आएगा, तो इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, ये 2 ही वे होंगे ना फिल करने के, ठीक है। अब देखिए इन 2 वे में से कोई या तो 2 यहाँ फिल हो गया होगा या 4 फिल हो गया होगा, जो भी फिल हुआ होगा उसके उसके अलावा एक एक नंबर बच गया होगा, यानी अगर 2 फिल हुआ होगा तो 4 बच गया होगा, 4 फिल हुआ होगा तो 2 बच गया होगा। तो अब हमारे पास इस नंबर पर भरने के लिए कितने नंबर हो जाएंगे, 1, 2, 3 और इन दोनों में से एक जो बचा हो 4, तो हमारे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 8, यानी हमारे 2 डिजिट के इवन नंबर कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे हो जाएगा वो देखिए, 2 और 4 में से कुछ यहाँ फिल करना है। अब 2 और 4 में से जो भी फिल हो जाएगा वो फिर से यहाँ पर लिया जा सकता है, तो 5ों में से 5th कोई भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 10, यानी रिपीटेशन अलाउ होगी तो कितने नंबर होंगे, कितने इवेंट नंबर होंगे, 10, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी तो कितने नंबर होंगे हमारे, 8, ठीक है, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन आप ये बताइए, इसी पर बताइए कि सपोज़ ये नंबर होता हमारा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अब हम आपसे कहते कि 2 डिजिट के कितने ऑड नंबर, इवन नंबर बनाए जा सकते हैं और रिपीट कैन बी, डिजिट कैन बी रिपीटेड हो,
डिजिट कैन बी रिपीटेड, यही क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हम इसको नंबर को चेंज कर दिए, नंबर को ये ले लिया हमने 01234। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर हम क्या क्या फिल कर सकते हैं, 0 फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं, 4 फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब या तो 0 यहाँ पर आया होगा, या 2 आया होगा, या 4 आया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है कि अगर हमारा 0 रिपीटेशन है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि अगर यहाँ पर 0 आ गया तो 2-3 इधर, 2-4 इधर ले लेंगे, 4-2 आ गया तो इधर ले लेंगे, मतलब 0 को इधर नहीं ले सकते हैं। तो इसको कितने तरीके से फिल करा जा सकता है, 1-2-3-4, 4 तरीके से, 0 को नहीं भर सकते ना। तो ये हमारे 12 हो जाएंगे। ये कब है, जब रिपीटेशन अलाउ हो। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तब क्या होता, इसी क्वेश्चन में, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तब क्या होता। अब आप देखिए, रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो 0, 1, 2, 3, 4 में से इवन नंबर हमको 2 डिजिट के बनाने हैं, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अब आप ये देखिए, अगर यहाँ पर आपने 0 रख दिया, तो 0 रखा कि नहीं रखा, अगर आपने 0, आपने इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से। अब ये कन्फ्यूज़न होगी कि जब 0 हम ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 में से कोई एक आया, तो आप ये कहेंगे कि सर जो हमने यहाँ पर एक ले लिया उसको हम इस डिजिट पर नहीं लेंगे, बाकी और ले सकते हैं। जब यहाँ पर 0 ले लेंगे हम, तो 2 डिजिट, 2 और 4 को हम ले सकते हैं पहले डिजिट पे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 2 ले लिया तो 0 को तो नहीं ले सकते, यहाँ पर 4 को ले सकते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है कि एक 0 लेंगे और एक 0 ना आ रहा हो। तो अगर यहाँ पर 0 हो जाए यहाँ पर, तो इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 1 तरीके से, और रिमेनिंग को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 4 तरीके से। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। दूसरा, अगर 0 यहाँ पर ना होता तो क्या होता, या तो 2 होता या 4 होता, है ना, इवन नंबर के लिए 2 या 4 होता, यानी इसको 2 तरीके से फिल किया जा सकता है। अब जो भी यहाँ पर फिल हो गया उसमें से एक बचेगा। अब यहाँ पर ये 10th डिजिट पर क्या क्या भर सकते हैं हम, 1 और 3 में से भर सकते हैं, और 2 और 4 में से जो बचा है वो भर सकते हैं। 0 तो नहीं भर सकते, 0 भर देंगे तो 1 डिजिट का हो जाएगा। तो यानी 1, 2 और इन दोनों में से जो बचा हो 3, 1, 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6। अब ये देखिए, जब 0 यहाँ पर हम फिक्स कर रहे होंगे तो 0 ना फिक्स होने वाली हमारा इवेंट नहीं हो रहा होगा। 0 ना फिक्स कर रहे हैं, जहाँ पर 0 नहीं आ रहा होगा तो 0 आ रहे हैं वाला इवेंट नहीं होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रोक रहे होंगे। तो क्या हो रहा होगा कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 10 इवेंट हो जाएंगे। यानी ऐसे कितने नंबर होंगे, इवन नंबर 10 हो जाएंगे। हमको इस तरह से डिवाइड करके इसको निकालना होगा, ठीक है। समझ में आया, कोई ऐसा है जिसके नहीं समझ में आया? समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन आप बताइए, आपके सामने ये है, इसको आप बताइए कि कैसे करेंगे। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बताइए, ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार रीड कर देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एट लीस्ट, ये पढ़िएगा इसको, एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर, वन बिलो द अदर ऑन द वर्टिकल स्टफ इफ द 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 फ्लैग हमको 1 by 1 करना था, ऊपर नीचे, और वहाँ पर डिफरेंट कलर कितने थे, 4 थे। यहाँ डिफरेंट कलर कितने हैं, 5 हैं। चलिए इसको कीजिए, कैसे करेंगे बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पर जो हमने अंडरलाइन किया है कि एटलीस्ट है, या तो 2 सिग्नल बना के बना सकते हैं, या 3 बना सकते हैं, या 4 बना सकते हैं, या 5 का 5 मिला के हम सिग्नल बना सकते हैं, सबको कंसीडर करना है हमको, ठीक है। चलिए अब आंसर कीजिए, आंसर तो हमने पूरा तो बता ही दिया, सॉल्व बता दिया, पूरा हिंट बता दिया है, अब आंसर हो जाना चाहिए। तो अगर हमारा 1 by 1 2 फ्लैग हो बन रहे हों, ये हो सकता है, अगर 2 फ्लैग बन रहे हों, तो आप ये देखिए कि ऊपर वाले को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 5 डिफरेंट कलर है ना, तो 5 तरीके से, नीचे वाले को 4 तरीके से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 20 फ्लैग बनेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि 1 by 1 3 फ्लैग हम ले रहे हों, तो ऊपर वाले को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5, उसके बाद 4,
उसके बाद 3, यही हो सकता है ना। जो एक कलर ऊपर आ गया तो 5 तरीके का हो गया, उसके बाद जो कलर आ गया उसको हम नहीं ले सकते 4 कलर, फिर जो दो कलर ऊपर आ गए उसको तीसरे टाइम नहीं ले सकते तो 3 कलर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 × 4 × 3 तो ये 20 × 3 = 60 हो गया। अच्छा 4 स्टफ अगर हम बना लें तो क्या होगा हमारा, ऊपर वाले को 5 तरीके से, उसके बाद वाले को 4 तरीके से, उसके बाद वाले को 3 तरीके से, उसके बाद वाले को 2 तरीके से, यानी हमारा हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 तो ये हो जाएगा हमारा 120। अच्छा 5 का 5 हम पूरा ले लेंगे तो क्या हो बनेगा, 5 तरीके से, उसके बाद 4 तरीके से, उसके बाद 3 तरीके से, उसके बाद 2 तरीके से, उसके बाद 1 तरीके से, यानी हमारा ये आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो ये कितना आ जाएगा हमारा 120। अब ये देखिए जब 2 स्टेप बना रहे होंगे हम तो वहाँ पर तब 3, 4, 5 स्टेप वाला नहीं बन रहा होगा, जब 3 बना रहे होंगे तो ये 2, 3, 4 और 5 वाला नहीं बन रहा होगा, जब 4 बना रहे होंगे तो अदर नहीं बन रहे होंगे, यानी सब आपस में क्या है, फ्री इवेंट नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, टोटल फ्लैग कितने हो जाएंगे, 20 + 60 + 120 + 120, बोलिए सारे लोगों को यही आ रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 320, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। बोलिए जल्दी बोलिए, समझ में आ गया ना, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, समझ में आ गया ना, सारे लोग रिस्पॉन्स करिए। ओके अच्छा ये क्वेश्चन अगर ये होता, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, हम ये यहाँ ये जो एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, यहाँ पर क्या है एटलीस्ट, हाँ अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग, अगर यहाँ पर होता एटलीस्ट की जगह आप एटलीस्ट को हटा दीजिए और यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए एट मोस्ट 3 कलर, चलिए अब आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, आंसर कीजिए एट मोस्ट 4 कलर होता तब क्या होता, जल्दी बोलिए कितने का आंसर आ रहा है जल्दी बताइए। ओके सही आना चाहिए इसका आंसर, अभी हमको भी आंसर नहीं मालूम, हम सॉल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा क्योंकि रैंडम क्वेश्चन लिया है हमने। बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोलिए कितना आएगा आंसर, बोलिए 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 जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। कितना आया जल्दी बताइए। ओके तो अब देखिए एटमोस्ट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेप हम बना सकते हैं, या तो इसके लिए सॉल्व करने या तो 1 स्टेप होगा, दूसरा क्या होगा 2 स्टफ हो जाएगा, तीसरा क्या होगा हमारा 3 स्टफ होगा। अच्छा 1 स्टफ होगा तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं, 5 कलर के 5 डिफरेंट कलर के बन सकते हैं, है ना, 5 तरीके से उसको फिल किया जा सकता है, तो 5 यानी 5 अलग अलग फ्लैग ही हो सकते हैं, वो एक सिग्नल बन सकता है, यानी ये 5 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 स्टफ बनाते तो इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, तो 5 × 4 = 20, ये 20 फ्लैग ये बनेंगे, ये 5 × 4 × 3 ये कितना हो जाएगा हमारा 60, तो सब मिला के कितने हो जाएंगे हमारे 85। किसी का आंसर आया 85, जिसका भी आंसर आ रहा है सही आ रहा है, ठीक है, सारे लोग समझ रहे हैं ना कैसे आ रहा है। ये कौन से इवेंट होंगे, फ्री इवेंट होंगे ना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, एक इवेंट दूसरे को रोक रहा है, जब वन फ्लैग हम लेंगे वन फ्लैग का सिग्नल बनाएंगे तो 2 और 3 का नहीं बना रहे होंगे, जब 2 का बनाएंगे तो 1 और 3 का नहीं बना रहे होंगे, जब 3 का बनाएंगे तो 1 और 2 का नहीं बना रहे होंगे। ओके 85 होंगे ना बोलिए। ओके इस पे और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना,
समझ में आ गया ना, कोई को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए अब आप हमसे बताइए, ये क्वेश्चन हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 3 digit के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं अगर ऑड प्लेस पे ऑड नंबर आए और इवन प्लेस पे इवन नंबर आए। ये क्या है फर्स्ट प्लेस, यानी ये क्या है ऑड प्लेस है, और ये सेकंड है सेकंड प्लेस, यानी ये इवन प्लेस है, या फोर डिजिट का आप कर लीजिए, और ये इवन इवन प्लेस है, ये क्या है हमारा ऑड प्लेस है, ये हमारा क्या है इवन प्लेस है। मतलब क्या है कि इवन प्लेस पे इवन नंबर ही आए, ऑड प्लेस पे ऑड नंबर ही आए, तो कितने टाइप के नंबर होंगे। एक और बना लीजिए 5 digit का, ये भी ऑड प्लेस हो गया, यहां 0 भी लगा लीजिए, ठीक है, कितने नंबर होंगे। अब देखिए, अब आप अगर हमने कहा कि रिपीटेशन अलाउ है तो बहुत आसान है, आप कर लेंगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है उसका आप बताइए, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो देखिए ऑड प्लेस क्या है, ये है ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस है और ये ऑड प्लेस है, 3 odd places हैं जिसको हम टिक से डिनोट कर रहे हैं, क्रॉस से डिनोट करेंगे इवन प्लेस को। इवन प्लेस कौन कौन से हैं, ये है और ये है, ठीक है। ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर भरे जा सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 मीन्स अगर यहाँ पर हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से, 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी फिल कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पर जो भी एक नंबर चला गया होगा वो अब यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ 3 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, और इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 types से, ओके। अच्छा अब देखिए, इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं हमारे, 2, 2, 4, 6, 8 और लास्ट में अगर 0 भी है तो ये 0 भी इवन प्लेस हो सकता है, लेकिन अगर ये कह रहा है कि इवन प्लेस पर इवन नंबर भरा जाएगा तो हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 0 एक इवन नंबर नहीं होता है अपने आप में। अगर ये कह रहा है कि 1 digit इवन नंबर ही फिल किया जाएगा, तो अब आप ये देखिए कि ये क्या होगा हमारा, क्या क्या 2, 2 और 4 और 6 और 8 में से कुछ भी भर सकते हैं, तो यानी आप 4 तरीके से यहाँ भर सकते हैं, और यहाँ पर हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 4 × 4 तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 3 = 18 × 16 कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आएगा आंसर, बोलिए जल्दी बताइए, अरे तो टेबल पढ़ लेंगे भाई आप, ठीक है आंसर कीजिए। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, सारे लोग समझ में आया कि नहीं, कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा है या जिसको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, तो बोल सकता है, बोलिए कमेंट बॉक्स में बोलिए, यानी परमुटेशन क्या होता है आपके समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ होती तब इसका आंसर 288 आया, 288 सारे लोगों का आ रहा है ना, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तब क्या होता, अगर रिपीटेशन अलाउ हो जाता तो क्या होता, देखिए रिपीटेशन अलाउ होता तब क्या हो जाता। अच्छा जीरो को हमने क्यों कंसीडर नहीं किया, 0 अपने आप में एक इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि हर वो डिजिट हमको लेना है जो अपने आप में एक इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, ओके ठीक है। अब ये देखिए ऑड प्लेस में हम कितने तरीके से फिल कर सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से, ठीक है। अच्छा 9 हमने पिछले बार छोड़ दिया था क्या, ठीक है अगर हमने नहीं लिया तो अब ले सकते हैं हम इसको। देखिए ऑड नंबर क्या क्या है हमारे, ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 types से। उसके बाद इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम,
फाइव टाइप से, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फाइव टाइप से। और इवन नंबर कितने हैं हमारे, 2, 4, 6, 8, तो ये इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फोर तरीके से। इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फोर तरीके से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 × 4 × 5 × 4 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 125 × 16, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने 2 × 3 × अच्छा क्वेश्चन पिछले, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हमको लगता है हमने उसको मिस किया है, तो वो रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है तो उसको हम फिर से कर देते हैं। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब क्या होगा, उसको हम फिर से भर देते हैं, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो क्या होगा, उसको हम फिर से कर देते हैं। हमने शायद 9 छोड़ दिया था वहाँ पर। तो ऑड प्लेस पे आप ये देखिए कि इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, और इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से। तो हमारा आंसर आएगा 3 × 4 × 4 × 3 × 5, ये आएगा, ठीक है। हमने ये जो लिखा है ये मिस हो गया है, ठीक है। हमने 4 ही डिजिट लिया था, 1, 3, 5, 7, 9, 5 डिजिट है ना ऑड नंबर, ठीक है। तो उसका आंसर ये होगा, यानी 3, 9 × 16 × 5, यानी हो जाएगा हमारा 9 × 80, तो यानी हो जाएगा हमारा 720 नंबर होंगे ऐसे, ना कि इतने, ठीक है। इसके कितने हो जाएंगे, 125 × 8 कितना होता है, अगर इसको 2 × 8 कर सकते हैं ना, 125 × 8 कितना होता है, 1000 × 2, ये कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। सारे लोगों को आ रहा है ना, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो वो पूछ सकता है। तो ये परमुटेशन की कहानी थी। परमुटेशन हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिपीटेशन और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा तो अब हमने इसको निकाला, अब हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। अब ये देखिए, ये कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर पी ऑब्जेक्ट आर द सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। तो अब इसकी बात हम करते हैं। सपोज हमने कहा ए ए ए ई, इसके कितने परमुटेशन हो सकते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 4 प्लेसेस आपने बनाया, इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है। आप जनरल कॉन्सेप्ट लगाते तो आप ये कहते 4 टाइप से, इसको 3 टाइप से, इसको 2 टाइप से, इसको 1 टाइप से। और तुम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि सर 4 फैक्टोरियल 4 टाइप के हमारे वर्ड बनेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हमारे कितने आ जाते हैं, 4 × 3 कितना हुआ, 12 × 2 = 24 हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये a1 a2 a3 होता तब तो ये 24 वर्ड आते हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए हम कि a1 a2 a3 e और a2 a1 a3 e, ये दोनों वर्ड तो अलग हैं अगर a1 a2 लगा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर a a a e है, अब आपसे हम कहें कि ये a को आगे कर लीजिए और इस a को बाद में कर दीजिए, तो क्या हो गया हमारा a, इस a को बाद में किया हमने तो क्या हुआ a a a e। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी आप इस कॉन्सेप्ट से कितनी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, ये जो जितनी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये एक 3 टाइम रिपीट हो रहा है ना, तो आपको ये अच्छा इसकी वजह से ये आपस में अगर ये 3 ए थे वो एक्चुअली एक ही ए थे, अगर इनको हमने फिल किया होगा तो कैसे फिल किया होगा, इसको 3 टाइप से, इसको 2 टाइप से, इसको 1 टाइप से। अगर 3 a1 a2 a3 होते तो यही करते, यानी हम फैक्टोरियल 3 यहाँ पर आता और यहाँ पर ये 4 टाइप से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता वो, ठीक है। तो मीन्स फैक्टोरियल 3 हम ज़्यादा ले रहे हैं, यानी फैक्टोरियल 3 से हमको इसमें डिवाइड भी करना होगा। जब हम फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब आप खुद देखिए कितने वर्ड बन सकते हैं, ए ए ए ई, अब ए ए ई ए, ए ई ए ए, उसके बाद ई ए ए ए,
क्या चार के अलावा इसके अलावा कोई और वर्ड बन सकते थे? नहीं ना। तो अब हमको करना क्या है कि सेम निकालना है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई जो चीज़ जितने बार रिपीट हो रही है उसको हमने उतने बार डिवाइड कर देना है, यानी फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल पी। पी क्या है? अगर पी ऑब्जेक्ट सेम टाइप के होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो एक बात हुई। अगर हमने कहा कि पी ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं और दूसरे पी वन ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, पी टू ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, पी थ्री ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, तो अगर कई हों, जैसे इलाहाबाद में इलाहाबाद, अब हम आपसे कहें कि इलाहाबाद को आप इलाहाबाद के वर्ड लीजिए और कितने वर्ड बना सकते हैं आप, कितने, ये 4, 8, 9 अल्फ़ाबेट का कितना वर्ड बना सकते हैं। तो अगर यहाँ देखिए एल भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, खाली एक चीज़ नहीं रिपीट हो रहा है, दो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो अगर मोर देन वन चीज़ें भी रिपीट होंगी, जो जितनी चीज़ें रिपीट होंगी दोनों आपस में फ्री इवेंट होंगे ना, तो उनको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आपको आप ये लिखेंगे सिंपल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 यानी 9 लेटर हैं हमारे, तो हम इसको फिल करते। तो अगर ये A1 होता और ये A2 होता, ये A2 होता, ये A3 होता, ये A4 होता, यानी A कितने टाइप के हैं, A कितने टाइम है, 4 टाइम। L कितने टाइम है हमारा, L कितना है हमारा, 2 टाइम्स है, और H तो रिपीट नहीं हो रहा है और ना D रिपीट हो रहा है ना B रिपीट हो रहा है, यानी रिपीट इतना ही हो रहे हैं। अगर ये रिपीट ना होते ये A1 A2 A3 A4 होते तो फैक्टोरियल 9 आता हमारा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल लिख दीजिए और जो L रिपीट हो रहा है उसको लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, इलाहाबाद का आंसर ये होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आया है कि NPR के खाली फार्मूले से काम चलने वाला नहीं है। अगर ये इलाहाबाद आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, 9 को 9 प्लेस में कैसे करेंगे, बोलिए, या N की पावर R करेंगे, नहीं कर सकते ना, कैसे करेंगे आप, यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 9, सिर्फ फैक्टोरियल 9 करके आंसर आ जाएगा आपका, नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, आपको समझ में आया ना। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने लिया ए जो है रिपीट हो रहे थे, तो कोई भी दो ए को अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो आइडेंटिकल है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो इसका आंसर कितना आया, चलिए आंसर बताइए, इसको सॉल्व कर लिया होगा ना आपने, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, यही आया ना, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 को आप 2 लिख लीजिए, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर दीजिए, 2 को आप ये 8 से काट दीजिए, तो ये हमारा आ गया 9 × 4 × 7 × 6 × 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए आंसर बताइए, हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, जल्दी बताइए आंसर कितना आ रहा है, सबका आंसर आना चाहिए, बोलिए जल्दी बोलिए। कोई को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, वेरी गुड, जिसका 1260 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है हाउ मेनी 4-डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9, रिपीटेशन डिजिट इज नॉट अलाउड, ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ गया है, चलिए करिए आप इसको, ये आपके लिए है, 1 to 9 करना है, 4-डिजिट बनाना है, चलिए जल्दी बताइए, ये आपके लिए है, आंसर करिए। 1 से 9 तक 9 होंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, तो आप NP4 लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, या फिर आप बॉक्स बना के करिए, जो भी करना है करिए, आंसर करिए। अब ये देखिए ये कह रहा है 1 to 9 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है,
नाइन, तो इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है? नाइन इसको तो कितने तरीके से भरा जा सकता है? एट इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है? सेवन इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है? सिक्स, सही है ना, यही भरा जा सकता है ना। तो क्यों? अच्छा, अगर आप एन पी आर लगाते तब भी क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो ये हो जाता है एन पी, कितने प्लेस में आपको भरना है, फोर, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल नाइन डिवाइडेड बाई नाइन माइनस फोर का होल फैक्टोरियल। तो ये आ जाता हमारा नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल। ये आता ना, बोलिए, यही आता ना, ठीक है, ये आता। तो आप इसको ये लिख सकते थे नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल फाइव, तो फैक्टोरियल फाइव कट जाता तो ये सेम आ जाता। अच्छा, इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके लिखते तो कितनी आ जाती है आपकी, 3024, ठीक है, जिसका जिसका आंसर 3024 आ रहा है वो करेक्ट है। चलिए अब ये बताइए, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन द 100 and 1000। चलिए बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है सब, 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, बताइए। चलिए भाई बताइए बताइए बताइए, जल्दी से जल्दी स्पीड में, किसका किसका आंसर आ रहा है? ओके, देखिए हमको क्या बनाना है, 100 के ऊपर और इससे पहले, यानी थ्री डिजिट का ही बनाना है हमको नंबर, थ्री डिजिट का नंबर बनाना है हमको, ओके, जिसमें लास्ट में जीरो, अगर थ्री डिजिट का नंबर ये 100 है तो इसमें तो जीरो आ ही नहीं रहा, इसमें से बनने वाला नंबर जो होगा वो लास्ट में वन आ जाएगा, थ्री डिजिट का जो भी नंबर होगा इससे बड़ा ही होगा और थ्री डिजिट का जो नंबर होगा वो इससे छोटा ही होगा। तो हमको सिंपल क्या करना है, थ्री डिजिट के इस नंबर से बनाने हैं नंबर। तो इसमें पांच में से हमको इसको फाइव तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको फोर तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको थ्री तरीके से फिल कर सकते हैं। क्या किसी का आंसर 60 आया? ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 कितना आएगा, 60 आया ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या होता, 5 × 5 × 5 ये हो जाता 125। आता ना, बोलिए, आ जाता ना, ठीक है। चलिए इसको बताइए बताइए जल्दी बताइए, क्या होगा इसका आंसर? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट एट लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर में कितने लेटर हैं आपके, सॉरी अल्फाबेट है, एट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये सिंपल बनाना होता हमको तो हम कितना कहते हैं कि फैक्टोरियल एट तरीके के होंगे, एट प्लेसेस करते और हम भर लेते, ठीक है, फिल करते तो फैक्टोरियल एट आता। अब लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। वॉवल्स क्या होते हैं, ए, बोलिए, ई, आई, ओ, यू, वाई होता है कि नहीं वावेल, और क्यों नहीं होता है वाई, अगर नहीं होता है तो यही होते हैं ना, पांच होते हैं। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है इसमें वावेल क्या क्या है, ए है, यू है, ई है, तीन वावेल हैं। तो तीन वावेल हैं, ये कह रहा है ऑल वावेल्स अकर टुगेदर, मींस हमको करना क्या है कि जैसे हम ये कहें कि तुम तीन लोग, क्लास में कई लोग हैं, तुम तीन लोग एक साथ हमेशा दिखना, तो हमने क्या किया, तुमको एक रोप लिया और तुमको हमने बांध दिया उसमें और कहा कि तीनों लोग एक साथ रहोगे, कहीं हटना नहीं। तो वो वावेल को हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये था एट प्लेसेस थे, एट प्लेसेस में से ये तीन वावेल को हम एक जगह एक एक में हमको रखना है, यानी इन वावेल में से ए यू ई में से ये यहाँ पर एक साथ रहेंगे। अगर तीन एक साथ रहेंगे तो बचेंगे कितने, फाइव बचेंगे ना, एट थे तो टोटल फाइव बचेंगे। अच्छा, अब ये तीन को, अब ये देखिए कि अब ये हो सकता है वावेल क्या क्या है, ए है, यू है और ई है, यहाँ पर तीन है। अब इनको भी आप, इनका भी अरेंजमेंट, क्योंकि परम्यूटेट करना है ना, वर्ड अलग बन जाएगा, एक साथ हो सकता है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इनको कितने तरीके से भरा जा सकता है, इसको थ्री तरीके से, इसको टू तरीके से, इसको
वन तरीके से, तो इसको आप अपने आप में सिक्स तरीके से फिल किया जा सकता है। ओके अच्छा, अब उसके बाद जो अल्फ़ाबेट बचे क्या क्या बचा, डी डी जी एच टी आर, ये पांच बचे हैं, पांच में से कोई भी यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर फिल कर सकते हैं, यहाँ थ्री कोई फिल कर सकते हैं, यहाँ टू फिल कर सकते हैं, यहाँ वन फिल कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये इवेंट और ये इवेंट आपस में क्या है, फ्री इवेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फ्री इवेंट है। तो अब ये देखिए, इसको आपने क्या किया है, ये सिक्स तरीके से इसको फिल कर रहे हैं आप। तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, लेकिन आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे, ये कहाँ पर गलत हो रहा है अगर ये अप्रोच आप लेके जाएंगे तो, वो आप ये देखिए, क्योंकि कॉमन बच्चे ऐसे ही करते हैं और गलत कर देते हैं। अब हम आपको बताएं कि आपको ऐसे नहीं करके थोड़ा से डिफरेंट करना है, यहाँ तक आपके समझ में आया। अब ये देखिए कि ये एक साथ रहेगा और ये मतलब आपकी ये लेटर जो है, आपने क्या किया है, एक मिनट, आपने क्या किया है, आपने लेटर बनाया तो आपने लेटर में जो तीन लोगों को एक साथ बांध दिया है, तो ये एक तीन लोग एक साथ हैं, उसके बाद एक लोग हैं, एक लोग हैं, एक लोग हैं, एक लोग हैं, ये कितने हैं, फाइव लोग हैं, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव हैं, और ये एक सिक्स लोग हैं। अब ये बताइए ये कितने प्लेसेस बचेंगे, क्योंकि तीन को एक साथ लाना है, या तो ये पहले आ सकता है या बीच में आ सकता है या कहीं भी आ सकता है, यानी सिक्स प्लेसेस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले प्लेस को कितने टाइप से भरा जा सकता है, सिक्स तरीके से, इसमें से कुछ भी हम उठा के रख दें, दूसरे को फाइव तरीके से, तीसरे को फोर तरीके से, उसके बाद ये अच्छा फाइव ही हमने लिखा है, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा थ्री तरीके से, इसको टू तरीके से, इसको वन तरीके से, यानी हमारा हो जाएगा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि वो जो तीन अल्फ़ाबेट हैं जिनको हम आपस में फैक्टोरियल थ्री या सिक्स टाइप से भर रहे हैं, वो भी इसके साथ हो रहा है, वो इवेंट इस इवेंट को रोक नहीं रहा है, मीन्स वो इवेंट क्या है, हमारा फ्री इवेंट है, यानी यहाँ पर हम फैक्टोरियल थ्री भी करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल सिक्स इंटू फैक्टोरियल थ्री, ठीक है, समझ में आया ना। तो अगर वॉवल एक साथ आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा बताइए, फैक्टोरियल सिक्स इंटू फैक्टोरियल थ्री, कोई कोई दिक्कत, चलिए फैक्टोरियल सिक्स इंटू फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू निकाल के बताइए कितना आया, कितना आएगा जल्दी बोलिए, कितना आ रहा है बोलिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, फोर थ्री टू ज़ीरो, ये आ रही है, अगर ये आ रही है तो सही है, ठीक है, यानी इसका पहले वाले का आंसर हमारा कितना हो गया, फोर थ्री टू ज़ीरो, ठीक है, साफ करते हैं इसको, इसका आंसर कितना आया था, फोर थ्री टू ज़ीरो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ऑल वावल डू नॉट अकर टुगेदर, अब हम कैसे करें, मतलब हम ये कहें कि वावल अलग अलग नहीं होंगे, उसका अलग अलग होंगे उसका हम नहीं निकाल सकते ना, एक साथ करके तो निकाल समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हमारे साथ एक साथ नहीं होगा तो उसको कैसे निकालेंगे। तो अब आप ये देखिए कि अगर हमसे कुछ ना कहता, कहते डॉटर से कितने वर्ड बनेंगे, तो आप ये क्या कहते, आप ये कहते कि चलिए भाई एट बॉक्स बना लीजिए, अब इसको कितने तरीके से भरा जा सकता था हमारा, एट तरीके से, इसको सेवन तरीके से, यानी ये पूरा कितना आ जाता है, फैक्टोरियल एट तरीके से। फैक्टोरियल एट में वो भी है जहाँ पर वावेल एक साथ हो और वो भी है जहाँ वावेल एक साथ नहीं हो। अब हमने वावेल एक साथ वाला निकाल लिया है, तो अगर हम उसको फैक्टोरियल एट से माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, वावेल साथ में नहीं होंगे, यही आ जाएगा ना, आल वावेल एक साथ नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि ए यू एक साथ हो लेकिन ई नहीं होगा उसके साथ, तो आल वावेल एक साथ नहीं हो, उसके उसका आल वावेल एक साथ है वो निकालिए और टोटल जितना हमारे वर्ड हो सकते हैं उससे माइनस कर दीजिए, तो आल वावेल साथ में नहीं होंगे उसका निकल आएगा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल एट माइनस फोर थ्री टू ज़ीरो,
यही होगा ना, यही होगा ना। अच्छा 4320 आया कहाँ से था, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 से आया था ना। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू 6, तो ये हमारा आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8 7 72। अच्छा 56 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 6 इंटू 50। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको मालूम है 720 होती है इंटू 50, तो 00 लगा दीजिए इसमें, ये आ गया हमारा 00 लगा दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आपके 36,000 आ गया कि नहीं बोलिए। तो इसका आंसर कितना हो गया, 36,000। समझ में आ रहा है ना, इस अप्रोच से आप करेंगे फ्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से, तो देखिए आपको कितना आसान पड़ रहा है चीज़ें। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बताइए, इसका आंसर बताइए, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर। चलिए इसको क्वेश्चन लगाइए, अगर हमारे जो बताइए क्वेश्चन बताइए, तो अब आप बताइए कि टोटल डिस्क कितनी होंगी। फोर प्लस थ्री प्लस टू कितना होगा हमारा, 9 होंगी कि नहीं बोलिए, होंगी ना। चलिए आगे क्वेश्चन करिए, करिए जल्दी करिए, कितना आया आंसर। अब ये देखिए, 9 9 अगर ये होती डिफरेंट कलर की होती तो इनको हम कितने तरीके से लिख सकते थे, फैक्टोरियल 9 तरीके से, लेकिन इसमें 4 रेड है यानी सेम कलर की, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 येलो हैं तो उनको 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 ग्रीन है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यही होगा ना, यही सीखा था ना हमने। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को 6 लिख सकते हैं इंटू 2, तो फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 2 से 8 को करें तो ये 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, तो 5 इंटू ये हो जाएगा हमारा 20, 9 इंटू 7 कितना हुआ हमारा 63 इंटू 20, तो हमारा ये हो जाएगा 0 6 12 60 आ गया आंसर। ठीक है, आंसर आ रहा है ना सबका। ओके, अब क्वेश्चन इस पे आ जाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको आप लगाइए, चलिए एक मिनट में लगाइए, आप लगाइए जल्दी लगाइए। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इफ इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब आप पहले बताइए कि इंडिपेंडेंस से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये देखिए कितना है, 3 3 3 3 12 है, तो अगर यहाँ पर सिंपल ए बी सी डी अलग अलग वर्ड होते तो हम क्या करते, अलग अलग लेटर होते तो हम फैक्टोरियल 12 लिख देते, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ई रिपीट हो रहा है, ई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ई कितने टाइम्स आ रहा है हमारा, 4 टाइम्स आ रहा है, ई 4 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए। आई कितने टाइम्स आ रहा है, आई जो है हमारा 1 टाइम आ रहा है। एन कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, एन हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम। ठीक है, और कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ हमको दिख रहा है ई एन डी 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 जो है डी 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 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगर हम ये कहें इंडिपेंडेंस के से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यही लिखेंगे ना, बोलिए आप यही लिखेंगे, वेरी गुड। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए,
ये तो हो जाएगा इंडिपेंडेंस को हम अगर अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिख लीजिए, वो आ जाएगा हमारा 166 166 3200, ये आएगा। ओके, अब ये कह रहा है डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, ये इंटरेस्टिंग हो गया, यानी हमको पहला वर्ड जो है वो पी फिक्स कर देना है, उसके अलावा कुछ भी आए। अगर हमने पी फिक्स कर दिया तो इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, वन तरीके से। अब बचे कितने, 11। अब 11 में ये रिपीटेशन वाले भी अलाउ हैं, तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है उनको हम लिख देंगे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 138। अब क्योंकि ये 1 इंटू हो जाएगा ना, पी को हमने फिक्स कर दिया, उसके अलावा जो बचे हैं 11, तो उनको हम 11 तरीके से लिख सकते हैं, 11 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी फैक्टोरियल 11 तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है उसमें ई रिपीट हो रहा होगा, एन रिपीट हो रहा होगा, डी रिपीट हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा 138 600। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया? ओके, अगर यहाँ तक समझ में आया तो अब आप आगे देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, बताइए। थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि डू, सेकंड पार्ट, डू ऑल द वावेल ऑलवेज अकर्स टुगेदर, जो भी वावेल हैं, इसमें वावेल क्या क्या हैं, सबसे पहले वावेल लिख लीजिए, वावेल क्या क्या हैं, आई वावेल होता है, हाँ होता है, ई वावेल होता है, हाँ होता है, उसके बाद ई कितने टाइम्स हैं, 4 टाइम्स हैं, ये सब जो हैं आपस में एक साथ आए, ये एक साथ आएंगे, यानी हमारे पास इसको हम एक अल्फ़ाबेट मान लेंगे, तो बचेंगे कितने हमारे पास बचेंगे कितने, ये 5 निकल जाएंगे तो बचेंगे 7 ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 12 थे टोटल, उसमें से ये आई एक ही बार आया, ठीक है, ये 5 एक साथ आ गए हैं तो बचे कितने हमारे, 7 बचे ना, ठीक है, 7 बचे। अब ये बताइए कि यानी हमको 8 प्लेसेस, 7 प्लस 8 प्लेसेस पे फिल करना है, तो अब आप देखिए 8 प्लेसेस पे फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेसेस में से इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, तो इसको 8 तरीके से भर सकते हैं, इसको 7, इसको 6 इंटू इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, क्या ऐसे ही कर सकते हैं ना, बोलो। तो यानी हम इसको कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 टाइप से, लेकिन इस फैक्टोरियल 8 में ये तो साथ में आ गया, लेकिन n 3 टाइम्स आ रहा होगा और d 2 टाइम्स आ रहा होगा, तो ये रिपीट हो रहा होगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे ना, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा, अब उसके साथ ये जो है a और ट्रिपल e जो है, 4 टाइम्स ई जो है, ये एक अल्फ़ाबेट हमने माना, तो इनको आपस में कितने तरीके से फिल किया जा सकता था, इसको फैक्टोरियल 5 तरीके से फिल कर सकते हैं हम, अगर E1, E2, E3, E4 होता तो, लेकिन इसमें E कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, मींस ये इवेंट भी इस इवेंट के साथ फ्री इवेंट है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सेकंड वाले का 16800। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। अच्छा, 16800 आया, वो याद करे रहिएगा अभी, अब साफ करते हैं इसको। अब ये देखिए थर्ड वाला पार्ट कह रहा है डू द वावेल नेवर अकर टुगेदर, डू द वावेल्स, सारे वावेल्स एक साथ नहीं आए, यहाँ पर दो ही वावेल हैं तो वो एक साथ ना आए, तो क्या करना होगा हमको, यानी हम ये निकालें कि टोटल कितने में से हो सकता है, वो हमने निकाला था फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई क्या निकाला था हमने, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 166 3200, जहाँ पर ई कितने बार रिपीट हो रहा था हमारा, 4 टाइम्स, एन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, 3 टाइम्स, और ई डी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, 2 टाइम्स, यही था ना हमारा। अब ये देखिए ये टोटल वर्ड हैं,
उसमें से रिपीट होने वाले अभी हमने निकाला, रिपीट होने वाले हमने कितना निकाला, कितने रिपीट हो रहे हैं, 16800। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें ये कौन वर्ड है जिसमें वावेल साथ में आ भी रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं, ये कितने वर्ड हैं जिसमें वावेल साथ में आ रहे हैं, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जिसमें वावेल साथ में नहीं आ रहे हैं, तो हमारा आंसर इसका कितना हो जाएगा, 16632 00 -16800। यही होगा कि नहीं, बोलिए 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 जल्दी बोलिए, यही होगा कि नहीं होगा ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 16464 00। सॉल्व कीजिएगा यही आएगा, ओके। अब लास्ट देखिए, डू द वर्ड बिगनिंग बिगिन विद आई एंड एंड विद एंड इन पी, यानी पहला वर्ड जो है हमारा आई से शुरुआत होगी और लास्ट वर्ड हमारा पी से बंद होगा, तो बीच में बचेंगे कितने हमारे, 10 वर्ड बचेंगे, यानी 10 लेटर बचेंगे। 10 लेटर किससे फिल किया जाएंगे, इन सब लेटर से फिल किया जाएंगे, आई और पी चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये 10 लेटर जो है हमारे वो क्या क्या हैं, वो ई उसमें 4 बार आ रहा है, एन 3 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है और बाकी और दूसरे लेटर हैं, तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 तरीके से, और उसमें रिपीट कितना हो रहा है, 4 टाइम्स ई, 3 टाइम्स एन, 2 टाइम्स डी, तो क्या ये नहीं आएगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। बोलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12600। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर चुका होगा, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया ना, सारे लोग बोलें, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, अभी हमको कॉम्बिनेशन भी आज ही कंप्लीट करना है, ओके क्लियर हो गया ना, परम्यूटेशन क्या हो गया आपको, क्लियर हो गया, परम्यूटेशन के रिपीटेशन है तो भी क्लियर हो गया, ओके। अब एक चीज़ और हम बताएंगे कि सपोज़ इसके बारे में हम बताएंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन अराउंड द थ्रेड, मीन्स अब देखिए सपोज कि एक कोई आपका हार है या नेकलेस है या आपके मोतियों का हार है या नेकलेस है, उसमें एन मोती हैं, तो अगर हमारा एन चीज़ें हैं तो उनको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, वहाँ पर हमको क्या करना होता है वो हम आपको बताएं कि अगर एन थिंग है और सर्कुलर चीज़ें हो रही हैं तो सबसे पहले एक चीज़ को हम फिक्स करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ को हम बैठाते हैं, सपोज़ एन में से एक को यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ फिक्स कर देते हैं कि तुम यहाँ बैठ जाओ ताकि हमको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। अब उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर एन तो बचेगा कितना, एन माइनस वन प्लेस और एन माइनस थिंग बचेंगे, तो उनको हम कितने लिख सकते हैं, एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल। अब देखिए या तो हम क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, दोनों सिमिलर हैं, यहाँ रिपीट हो रहा है यानी यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन का अगर एन नंबर ऑफ थिंग है और उनको सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में उनको रखा जा रहा है तो वो कितना हो जाएगा हमारा, एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। कहाँ से आया समझ में आया ना आपके, चलिए क्वेश्चन बताइए, द टोटल वेज इन विच एट डिफरेंटली, जल्दी लिखिए, कलर्ड बीड्स कैन बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ नेकलेस। बताइए
सबसे पहले 8 में से एक को फिक्स करेंगे, यानी इसका आंसर तो हम डायरेक्ट फार्मूला से 1/2 एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन एक को फिक्स करेंगे और दोनों दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से क्लॉक चलती है और एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह क्लॉक चलती है उसके अपोजिट, दोनों वे सेम थे, दोनों में से निकले सेम बनेगा, तो टू वे सेम आ जा रहा है, तो टू से इसलिए डिवाइड कर रहे थे, तो 1/2 क्या हो जाएगा 8 - 1 का होल फैक्टोरियल, यानी हो जाएगा फैक्टोरियल 7/2। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताइए, 720 होती है क्या? खैर लिख लीजिएगा, ये आएगा आंसर। ओके, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम कि नहीं? आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अगर यहाँ तक की प्रॉब्लम नहीं हुई है तो अब हम क्या करते हैं, आगे की कुछ बातें करते हैं। आगे की बातें का मतलब यह है कि हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अब। तो अब हम फिर से रिकॉल करते हैं कि परम्यूटेशन क्या था और कॉम्बिनेशन क्या था। परम्यूटेशन हमने चूज़ किया, उसके बाद हमने अरेंज किया। कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। तो अब आप देखिए, हमने जो एक एग्ज़ाम्पल लिया था उसमें क्या हो रहा था कि हमने लिया ए बी सी से, हमने ए ए बी लिया या ए सी लिया या बी सी लिया, अब इनको हमने अरेंज किया। एक्चुअली अरेंज क्या किया, ये दो अल्फ़ाबेट को आपस में किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, प्लेसेस दो है ना, उसको फैक्टोरियल टू तरीके से हमने अरेंज किया ना, तभी तो ये क्या हो जा रहा था 3 × 2, ये 6 आ जा रहा था ना, जभी तो हम इसको लिख रहे थे बी ए सी ए सी बी, है ना, तो ये 6 तरीके से कहाँ से आ जा रहा था, फैक्टोरियल 2, जितने प्लेस थे उतने से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। ओके, मींस अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो परम्यूटेशन क्या हो रहा होगा, जितना भी हमारा कॉम्बिनेशन होगा उसमें, यानी हमारा कॉम्बिनेशन को हम एन सी आर से लिखते हैं, एन सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पी आर, एन में से आर, एन सी आर क्या है हमारा कि हमने एन सी आर इज इक्वल टू, अब इसमें वो चीज़ें भी इंक्लूडेड होंगी जो हमने उसको परम्यूटेट किया, यानी ए बी और बी ए जो किया है वो फैक्टोरियल 2, तो इसमें आर, अगर आर प्लेसेस होते तो हम इसको फैक्टोरियल आर तरीके से वो करते, तो ये फैक्टोरियल आर होगा, फैक्टोरियल आर से डिवाइड करना होगा, या आप ये लिख सकते थे कि एन पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, हम पहले चूज़ कर लें एन सी आर और आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन सी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एन पी आर, एन पी आर की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर, तो ये हमारा आ जाएगा एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर। क्या यही होगा कि नहीं बोलिए, तो एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर, एन पी आर इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आपको एन सी आर की वैल्यू याद रखना है कि उसमें फैक्टोरियल आर नीचे डिवाइडेड और हो रहा है। ओके, ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं एन सी आर की वैल्यू। एन सी आर की वैल्यू क्या आई हमारी, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक है। अब आपसे हम कहें कि 5 चेयर थे, 5 लोग थे, उसमें से 3 लोगों को चूज़ कीजिए, या हमारा एक बॉक्स है जिसमें 3 रेड बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं, उसमें से हमको 3 रेड बॉल हैं, उसमें से 2 बॉल निकालिए, तो एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ थिंग्स है, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, हमको कितनी बॉल निकालना है 2 बॉल निकालना है, तो ये हो जाएगा 3c2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 - 2 का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी ये 3 कितने सिलेक्ट होंगे हमारे पास, 3 होंगे। अब परम्यूटेशन होता तो इस 3 को हम परम्यूटेट भी कर देते, 6 हो जाता ना 3 × 2, क्योंकि 2 बॉल ले रहे हैं ना। ओके, अच्छा अब हम देखें कि एन सी 1 की वैल्यू क्या होगी, एन सी 1 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल एन, एन सी आर की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर। एन सी एन 1 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 1, यही होगा ना। तो अब ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 का
होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल वन, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एन आ जाएगा। ठीक है, एन सी ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी हमारी, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस ज़ीरो का होल फैक्टोरियल इंटू ज़ीरो फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ज़ीरो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा समझाना चाहते हैं। एन सी ज़ीरो का मतलब क्या होगा, मतलब हमने कहा कि इस क्लास, ये ऑनलाइन क्लास में 5 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से हमको 0 लोगों को सिलेक्ट करना है। इसका कितना वे होगा, 1 वे होगा, एक वे होगा ना, एक तरीका हो सकता है ना कि 5 हम जो हम आप लोग पढ़ रहे हैं 5 लोग, उसमें से हम सिर्फ एक 0 को लेंगे, 0 को लेंगे, ये एक ही तरीका होगा। तो अब आप ये बताइए, यानी एन सी ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी ना, एक तरीका होगा ना, एन लोगों में से 0 लोगों को लेने का तरीका कितना होगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल 0। तो अब ये कैंसिल हो गया, यानी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। ठीक है, सेम अगर हमारा एन सी एन होता तो वो वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस एन का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल एन। अब यहाँ पर भी आ जाता फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस एन कितना, 0 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल एन। एन सी एन का मतलब क्या है कि एन लोग आप हैं, और हमने कहा 5 लोग आप पढ़ रहे हैं, अब हमने कहा 5 में से 5 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसका कितना तरीका होगा, एक तरीका होगा ना, 5 में से 5 को सिलेक्ट कर लिया, यानी एन सी एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, यानी यहाँ से भी आ गया फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। मतलब फैक्टोरियल 0 कौन सा कॉन्सेप्ट है ये समझो पहले। फैक्टोरियल 0 वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एन चीज़ों में से 0 चीज़ लेते हैं, हम लेते ही नहीं हैं एक वे, या एन थिंग्स में से एन थिंग्स ले लेते हैं हम, तो वो कॉन्सेप्ट पे जो जनरेट होती है कंडीशन, उसको हम 0 फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कहाँ से होती है, ये आपको समझ में आ गई है, अभी तक आपको ये बस हमने कहा तक 0 फैक्टोरियल 1 होती है, लेकिन अब हम बता रहे हैं 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होती है, समझ में आया। ठीक है, अब हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे उस पर वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं तो उसको वापस आ जाते हैं। हम किसकी बात निकाल लेते हैं, एन सी ज़ीरो की वैल्यू क्या निकलेगी। तो अब हम अब ये मानते हैं कि एन सी ज़ीरो की वैल्यू वो सॉरी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये मान के आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आपने माना। तो अब ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगी, यानी एन सी 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अच्छा, एन सी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस एन का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 0, तो वो भी कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू, 1 आ जाएगी। यानी एन सी 1 की वैल्यू कितनी होती है एन, एन सी 0 या एन सी एन की, एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1, और एन सी 1 की वैल्यू एन होती है। ये याद रहेगा कि नहीं आपको, ये अगर याद रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, यहाँ तक में क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे चीज़ों को देखते हैं। एन सी एन की वैल्यू 1 होगी, एन सी चलिए लिखे एन सी एन की वैल्यू कितनी होगी, रुक जाइए पहले हटा देते हैं इसको, चलिए बताइए एन सी एन की वैल्यू कितनी होगी, एन सी एन की वैल्यू कितनी होगी, एन सी 0 की वैल्यू कितनी होगी, एन सी 1 की वैल्यू कितनी होगी, तीनों की वैल्यू लिखिए, एन सी 1 की वैल्यू कितनी होगी, पहला इसको लिखिए, दूसरा इसको लिखिए, तीसरा इसको लिखिए, एन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एन सी 1 की वैल्यू कितनी होगी, चलिए बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, तो आप लोग बता पा रहे हैं कि एन सी एन की वैल्यू 1 है, एन सी 0 की वैल्यू 1 है, एन सी एन की, एन सी 1 की वैल्यू एन है, एन सी 0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ यहाँ 1 आएगा, यहाँ एन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, हम आपसे कहें कि एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस, ये जो अंदर होता है एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू, यहाँ जो आर की जगह लिखा हुआ है वो लिखते हैं एन माइनस आर का, एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, यही लिखते हैं ना आप। अब आप ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस एन कितना हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एन हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये प्लस आर हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल आर
ये फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो हमारा एन सी, ये देखिए ये वैल्यू जो आ गई ये क्या आ गई, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल, ये क्या होता है हमारा एन सी आर होता है। यानी आप ये लिख सकते हैं कि एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर, ये लिख सकते हैं ना आप, बोलिए। अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे आपसे हमने कहा कि 12C 18 निकालिए, तो आप क्या कर देंगे कि सर सॉरी 19C 18 निकालिए, तो आप कहेंगे सर 19C 19 माइनस 18 भी उसी की सेम वैल्यू होगी, तो आप लिखेंगे 19C 1 आएगा, 19C 1 की वैल्यू एन सी वन की वैल्यू n होती है, तो आप ये लिख देंगे 19 आएगा सर, ठीक है, क्लियर क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना सबको, ओके। तो ये होगा, ठीक है, तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, ये आप याद रखेंगे, याद रखेंगे ना। चलिए अब इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है कि एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर होंगे, तो यानी ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो जैसे एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एन माइनस आर, यानी एन इज इक्वल टू 2R होगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है, इस कंडीशन के लिए, ओके। अच्छा अब ये देखिए, अगर कहीं पर लिखा हो, सपोज लिखा हो, ये लिखा हो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये लिखा हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसको अभी हम निकालते हैं। तो अब आप ये देखिए एन सी आर की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, यही होगी ना, बोलिए। और प्लस इसको लिखेंगे आप फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल, ये होगा। अब ये देखिए ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, n माइनस आर बड़ा होगा या n माइनस आर माइनस वन बड़ा होगा। अगर n की वैल्यू 7 है और r की वैल्यू 4 है, तो 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4 माइनस 1 यानी 3, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, मीन्स ये बड़ा होगा ना, आर माइनस वन बड़ा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, एक तो ये कि हमारा n माइनस आर से n माइनस आर माइनस वन बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी साफ हो गया, एक मिनट, कि फैक्टोरियल n अपन n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, अब फैक्टोरियल r बड़ा होगा या r माइनस वन, फैक्टोरियल r बड़ा होगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर, और इन दोनों में क्या बड़ा है, n माइनस आर, तो हम इसको लिखते हैं n माइनस आर, छोटा है तो n माइनस आर लिखा, और r बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर माइनस वन इंटू n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का होल फैक्टोरियल। अब ये देखिए ये और ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल, बचा कितना 1/r प्लस 1/n माइनस आर माइनस वन, ये बचा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एलसीएम आ के ऊपर कितना आ जाएगा हमारा, n माइनस आर प्लस वन प्लस आर डिवाइडेड बाई r इंटू एन माइनस आर माइनस वन, यही होगा ना। अब r कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा n प्लस वन, तो यहाँ पर हम इसको अगर लिखें तो ये हमारा आया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल इंटू, ऊपर कितना आ गया हमारा n प्लस वन, नीचे कितना आ रहा है हमारा r इंटू एन माइनस आर माइनस वन, ये आया।
अब ये देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं लिखा हो 7 × (6), तो इसको फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं ना। अब फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, अब उससे बड़ा इंटीजर क्या होगा, n+1 ही होगा ना, n+1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ऊपर ये लिख सकते हैं n+1 का होल फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये r-1 है, ये r है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल r बन जाएगा, ठीक है, इंटू ये n-r है और ये n-r-1 है, तो ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, n-r-1 का होल फैक्टोरियल, क्या ये ही आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसको और रीअरेंज करते हैं, हम ये लिख सकते हैं n+1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू, अब माइनस को अंदर कर दें तो ये -r+1 हो जाएगा, तो हम इसको n+1 पहले ले लें, n+1 - r का होल फैक्टोरियल, यही रहेगा ना। बोलिए अगर ये आपके समझ में आ गया तो आप ये बताइए कि अगर हम ये लिखें n+1 c r, इसका क्या होगा, n की जगह n+1 आ जाएगा ना, n+1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 - r का होल फैक्टोरियल फैक्टोरियल r, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, n+1 c r, ये लिख सकते हैं ना, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n+1 c r, ठीक है, क्लियर हुआ ना आपका। मीन्स अगर आपसे ये पूछ रहा होता कि आपसे ये पूछ रहा होता कि 20c4 + 20c3 क्या होगा, तो आप ये लिखते कि सर ये 20n हो गया तो n+1 कर दीजिए, 21 c r कर दीजिए जो पहले वाला था, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं आप, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम सो फार, ओके। ये देखिए ये NCR और जो हमने ये लिखा है ये होगा। अच्छा अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, अ कमेटी ऑफ 3%, चलिए क्वेश्चन करिए, अ कमेटी ऑफ 3%, ये क्वेश्चन करिए कैसे करेंगे, अब फ्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का यूज होगा हमारा, ठीक है। अ कमेटी ऑफ 3% इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, इन हाउ मेनी वेज कैन इट कैन दिस बी डन, हाउ मेनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women, ये कह रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि 3% की कमेटी बनाना है हमको 2 men and 3 women से, यानी n कितना हो गया हमारा 5, कितना 2 + 3, 2 men and 5 women, 5 हुआ, और r पर्सन कितना हमको लेना है, r की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3, तो हमारा NCR यानी 5C3, यानी फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 - 3 का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 4 × (3) डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, यानी 2 × 1 × (3), ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा हमारा 2 से, अगर इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, तो हमारे कितनी कमेटी बन सकती हैं 10। दूसरा उसका पार्ट कर रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, हाउ मैनी दिस कमेटी डन कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women, अब ये देखो कितने हमारे पास मैन कितने थे, 2 men थे, वोमेन कितनी थी, 3 women थी, 2 men and 3 women थी, अब ये कह रहा है एक मैन चाहिए और 2 women चाहिए, तो अब देखो इसमें सिलेक्शन करना है, अब ये देखो 2 में से कोई एक ले लेना है तुमको, तो 2C1 होगा, चूज करना है ना, अच्छा 3 में से कोई 2 women ले लेना है, 3C2 होगा। ये बताओ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों को मिलके बन रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2C1 × 3C2, यानी हो जाएगा 2C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3C2 को तुम ये भी लिख सकते हो 3C3 - 2, तो ये हो जाएगा 3C1, तो ये हो जाएगा हमारा 3C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 2 × 3, यानी 6 कमेटी ऐसी बनेंगी, ओके
समझ में आया ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग फोर कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो सबसे पहले अगर हम आपको बात करें कि ये कितना होगा, फाइव कार्ड हमको निकालना है 52 से, तो क्या 52 में से चार कार्ड हमको निकाल लेना है, 52C4 यही होगा ना। तो पहला मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 52C4। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 52 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 भी आएगा। तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 का होल फैक्टोरियल लिख लीजिए आप, डिवाइडेड बाई 48 का होल फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप 4 से अगर 52 को डिवाइड करिए तो 32 हो गया, 3 से अगर इसको डिवाइड करिए तो ये 17 हो गया, 2 से अगर इसको डिवाइड करिए तो 25 हो गया, यानी हमारा आ जाएगा 13 इंटू 17 इंटू 25। तो इसकी वैल्यू अब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, वो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, 270725। ये हमारे 52 कार्ड से 4 रैंडम कार्ड निकालने के, प्लेइंग कार्ड निकालने के, ये इतने वे होंगे, कितने, 270725। ओके, अब क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं, चलिए उसको लिख ही देते हैं, उसका आंसर अगर कितने प्लेइंग कार्ड हम निकाल सकते हैं वो हम लिख देते हैं, 270725। अब ये कह रहा है फोर कार्ड आर द सेम सूट। अब आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे 52 कार्ड होते हैं, सॉरी इधर लिखते हैं, 52 कार्ड होते हैं उसमें 26 रेड होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 रेड होते हैं और 26 ग्रीन होते हैं और 26 सॉरी ग्रीन कह रहे हैं ब्लैक होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है, 26 ब्लैक होते हैं। अब 26 में 13 डिफरेंट सूट के होते हैं, 13 डिफरेंट सूट के, यहाँ 13 डिफरेंट सूट के होते हैं, ये डिफरेंट सूट के होते हैं, ठीक है। अब इसमें सब में 3 3 3 3 फेस कार्ड होते हैं, क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, फोर कार्ड आर द सेम सूट, या तो अब सेम सूट का मतलब है या तो इस कार्ड से निकलेगा या इस कार्ड सूट से निकलेगा या इस सूट से निकलेगा इस सूट से निकलेगा। अगर वो पहले सूट से निकला तो क्या हो जाएगा, 13C4। अगर वो दूसरे सूट से निकला तब भी क्या होगा, 13C4। अगर वो तीसरे सूट से निकला तब भी क्या होगा, 13C4। अगर चौथे से निकला 13C4। लेकिन अब ये बताओ, जब वो पहले सूट से निकल रहा होगा तो दूसरे तीसरे चौथे सूट से नहीं निकल रहा होगा, जब दूसरे सूट से निकल रहा होगा तो पहले तीसरे फोर्थ में से नहीं निकल रहा होगा, जब तीसरे से निकल रहा होगा तो पहले दूसरे और चौथे से निकल रहा होगा, जब फोर्थ सूट से निकल रहा होगा तो फर्स्ट टू थ्री से नहीं निकल रहा होगा। तो हम ये सब आपस में क्या होंगे, हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे, यानी 4 × 13C4 हमारा पहले का आंसर होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 13 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 13 × 12 × 11 × 9 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 भी रहेगा, ये फैक्टोरियल 9 जो है ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचा कितना, 3 × 2 = 6, इसको करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यानी हमारा बचा 13 × 11 × 2, ये बचा ना, तो ये हमारा बचा 13 × 11 × 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2860, यानी सेकेंड वाले का आंसर हमारा, ओ इसमें का आंसर कितना आ जाएगा, 2860। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर कार्ड बिलोंग फ्रॉम, अब ये कह रहा है कि, चलो दूसरे पेज पर करते हैं, ये कह रहा है कि
पहला ये कहा कि सेम सूट का होना चाहिए, अब ये कह रहा है फोर कार्ड जो फोर डिफरेंट सूट हैं उससे निकलना चाहिए, यानी एक कार्ड यहाँ से निकले तो क्या हो जाएगा 13C1, एक कार्ड यहाँ से निकले 13 कार्ड होता है ना 13C1, यहाँ से एक कार्ड निकले 13C1, यहाँ से एक कार्ड निकले 13C1। अब ये देखिए यहाँ पर ये इवेंट एक दूसरे को रोक नहीं रहे बल्कि इनके मिलने से एक रिजल्ट आएगा, तो ये फ्री इवेंट है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 13C1 का की पावर 4। अच्छा 13C1 की वैल्यू कितनी होगी, NC1 की वैल्यू कितनी होती है N, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो चारों कार्ड हैं हमारे वो क्या हों, फेस कार्ड हों, ठीक है, चारों कार्ड क्या हैं, इधर ही कर देते हैं इसको, फोर कार्ड जो हैं हमारे वो फेस कार्ड हों। फेस कार्ड क्या कितने होते हैं हमारे, 3-3-3 सब में होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं हमारे, 12 में से हमको कितना चाहिए, 12C4 चाहिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12C4 चाहिए ना, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई 12-4 का होल फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये आ जाएगा हमारा 495 आंसर होगा इसका, 495, ओके उसके बाद ये कह रहा है 2 रेड कार्ड एंड 2 ब्लैक कार्ड। देखिए रेड कार्ड कितने थे, 26 रेड कार्ड थे और 26 ब्लैक कार्ड थे, अब इसमें से 2 कार्ड निकालना है 26C2, अब इसमें से 2 ब्लैक कार्ड निकालना है 26C2, दोनों क्या होंगे, फ्री इवेंट होंगे, एक दूसरे को रोक नहीं रहे होंगे, एक दूसरे से मिलकर आंसर दे रहे होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 26C2 इंटू 26C2, यानी 26C2 का होल स्क्वायर, यानी 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 26 इंटू 25 इंटू 24 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 24 का होल फैक्टोरियल इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 13 बचेगा, 13 इंटू 15, तो 13 इंटू 15 कितना आ जाएगा आपका बताइए, 13 इंटू 15 कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 13 इंटू 15 जो है आपका आ रहा है 105 625, ओके okay? अब लास्ट पार्ट क्या कह रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कार्ड आर द सेम कलर, कार्ड जितने भी होंगे वो सेम कलर के होंगे, या तो 4 कार्ड रेड होंगे या हमारे 4 कार्ड जो हैं ये 26 में से 4 रेड कार्ड निकलेंगे या 26 में से 4 ब्लैक कार्ड निकलेंगे, तो 4 ब्लैक कार्ड निकलेंगे तो 26C4 होगा या इसका भी 26C4 होगा, लेकिन ये दोनों जब रेड से निकल रहा होगा तो ब्लैक से नहीं निकल रहा होगा, जब ब्लैक से निकल रहा होगा तो रेड से नहीं निकल रहा होगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 times आ जाएगा 2 times 26C4, तो 26C4 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 325 आई थी, 2 into 325, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ और आई थी, इसकी वैल्यू कुछ और आई थी 26C4, अच्छा 26C2 की थी वो, 26C4 की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना पड़ेगा, चलिए निकाल लेते हैं उसको, निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 times फैक्टोरियल 26 डिवाइडेड बाई 26-4 का होल फैक्टोरियल, यानी 22 का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगा 2 into 26 into 25 into 24 into 23 into 22 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 22 का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं, 4 into 3 into 2 into 1, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 6 हुआ तो ये 24 हो गया पूरा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या आ गया हमारा 2 into 26 into 25, तो यानी आ गया 26 into 50, तो ये हो जाएगा हमारा 05, ये हो जाएगा हमारा 02990, ये होगा, ओके ये आंसर हो जाएगा। तो अब आपके समझ में आया ना फैक्टोरियल का क्या कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ तक समझ में आया ना। अच्छा अब एक आध क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। अब हमने आपसे कहा
अब अगले क्लास में हम प्रोबेबिलिटी जब देखेंगे तो यही चीज़ें वहाँ काम आएंगी। हमने जैसे कहा, अब उसी को थोड़ा सा कर रहे हैं, हमने कहा कि इसमें 5 रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं, 2 येलो बॉल हैं। हम इसमें से 3 बॉल निकालते हैं, वो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। तो अब ये देखो क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, उसके लिए एक रेड बॉल निकला है, एक ग्रीन बॉल निकला है, एक येलो बॉल निकला है। तो हमारा एक रेड बॉल निकल कैसे निकलेगा, 5C1। एक 3 ग्रीन बॉल कितना निकलेगा हमारा, 3C1। और एक येलो बॉल कितना निकलेगा, 2C1। यही होगा ना। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी 5 × 3 × 2 यानी हो जाएगा हमारा 30। ओके, अच्छा क्वेश्चन ये होता हमारा कि एक बॉक्स में 5 रेड और 4 ग्रीन बॉल हैं, दूसरे में 4 रेड और 2 ग्रीन बॉल हैं, 4 रेड और 5 ग्रीन बॉल हैं। एक बॉल इसमें से निकाला जाता है, एक बॉल इसमें से निकाला जाता है, दोनों के सेम कलर के होने के, किस तरह से दोनों सेम कलर होंगे, दोनों सेम कलर हों, ये कैसा, ये कितना, इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, इसमें से रेड निकले और इसमें से रेड निकले, दूसरा क्या हो सकता है, इसमें से ग्रीन निकले और इसमें से ग्रीन निकले, यही हो सकता है ना। इसमें से रेड कैसे निकल सकता है, रेड और रेड तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, क्यों, क्योंकि फ्री इवेंट होंगे, है ना। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, जब रेड निकल रहा होगा तो ग्रीन नहीं निकल रहा होगा, जब दोनों में से ग्रीन निकल रहा होगा तो रेड नहीं निकल रहा होगा। तो इसमें से रेड कैसे निकलेगा, 5C1, और इसमें से रेड कितना निकलेगा, 4C1। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 4 कितना हो जाएगा हमारा, 20। अब इसमें से एक ग्रीन निकलना है तो ये हो जाएगा 4C1, और इसमें से एक ग्रीन निकलना है तो कितना हो जाएगा, 5C1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 5 ये हो जाएगा हमारा 20। यानी दोनों फ्री इवेंट हैं तो 20 + 20 = 40 यानी 40 वे होंगे, ठीक है। चलिए आप बताइए, आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के आप क्वेश्चन कई कर सकते हैं, अभी आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, और उम्मीद ये है कि आप अपने से भी क्वेश्चन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का क्लास कैसा लगा, और आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, आप इन्वॉल्व होइए, और जो भी आप आज के क्लास में, सबसे पहले आप देखिए आपको कई पॉइंट लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में जाने से पहले या एंड होने के बाद। अच्छा एक चीज़ और, ये वीडियो एंड हो जाती है उसके बाद भी आप इसको 2x करके देखना चाहें तो कुछ पार्ट जहां पर आपको मिस हुआ है देखिए, ज़रूर आप लोग देखा करें, चाहे 2 मिनट देखिए, अभी ये एंड हो जाए उसके बाद 5 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप फिर से खोलिए वीडियो, और वीडियो में आप जाके उसको प्ले कीजिए, आपको दिमाग में होगा कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया था, तो वहाँ पर स्पीड बढ़ा के या जिस तरह से भी आप देखिए, चाहे 2 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, एक बार देख के आप, अगर किसी को सब पूरा समझ में आया है जब भी वो उसको एक बार बीच बीच में खोल के कहीं पर जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था, उसको लगा कि कम समझ में आया, वो उसको करे, और उसके बाद आप ये लिखिए कि ये चीज़ बताइए कि आज की वीडियो में आपको कौन सी 3 चीज़ें सबसे अच्छी लगी, और आपको पूरा क्लास कैसा लगा, और सबसे उसके बाद आप ये लिखिए, ये प्ले हो जाने के बाद आप ये करेंगे, उसके बाद आप ये लिखिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है, उसके बाद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फ़र्क आपको समझ में आ गया, फ्री और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, 0 × 1 क्यों होता है, और इस टाइप की चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप उसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप इस पर डाल दीजिएगा, हम उसको देखेंगे, हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है।